शुरुआत होती है 1989 के फ्लैशबैक से जहाँ एक इंडस्ट्रीमिक्स साइंटिस्ट जिसका नाम था हेंक पिम, पिम पार्टिकल को डिस्कवर किया था अब पिम पार्टिकल के बारे में आपको थोड़ा ज्ञान दे दू तो वे एक ऐसा पार्टिकल है जिसको यूज करके किसी चीज वो लिविंग हो या नॉन लिविंग उसको बड़ा या छोटा किया जा सकता है अब जब इसके बारे में इंडस्ट्री वालों को पता चला तो उन्हें भी लालच आ गया तो हैंग पिम को ये बात अच्छी नहीं लगी तो वो गुस्से में उस कंपनी को छोड़ देता है और अब हम आ जाते हैं प्रेजेंट टाइम में जहाँ पे हैंग की एक अपनी कंपनी होती है और उसकी एक बेटी भी होती है जिसका नाम होता है होप जो की हैंग से कहती है की पापा बहुत बूढ़े हो चुके हैं तो आपको घर पे रेस्ट करना चाहिए और मैं और मेरा को जिसका नाम है डेरन हम दोनों इस कंपनी को संभाल सकते हैं अब एक दिन जब हैंग कंपनी में मौजूद नहीं था तो उस दिन उसकी बेटी और डेरन मिलकर एक येलो सूट तैयार करते हैं जिसमें उन्होंने पिम पार्टिकल को यूज किया था और उससे सूट पावर आ गई थी तो इनका प्लान ये था कि सूट को महंगे प्राइस में बेच जल्दी से जल्दी अमीर बनना चाहते थे जो की बहुत ही गलत बात है अब हम देखते इस मूवी का मेन कैरेक्टर जिसका नाम स्कॉट होता है जो की चोर था था जिसके चक्कर में वो वो जेल से सजा वापस आ रहा तो तो सबसे पहले तो वो घर जाकर अपनी छोटी बेटी से मिलता है और तब हमें पता चलता है कि स्कॉट और उसकी वाइफ की पहले डिवोर्स हो चुकी थी और तब उसकी वाइफ ने किसी और से शादी कर ली अब स्कॉट के जेल से निकल जाने के बाद उसे अपनी जिंदगी गुजारने के लिए चाहिए थे पैसे तो अब स्कॉट निकल पड़ता है जॉब की तलाश में लेकिन अब सोस उसे कोई जॉब नहीं देता क्योंकि उसका क्रिमिनल रिकॉर्ड जो था जिससे कि वो बहुत ही परेशान हो जाता है और तब वो अपने दोस्त से मिलने के लिए जाता है जिसका नाम था लुइस जो कि स्कॉट को कहता है कि मैं समझ सकता हूँ प्यारे की कोई जॉब नहीं मिल लेकिन स्कॉट इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं अगर तुम्हें कोई जॉब नहीं देना चाहता अब तुम्हारे पास में एक ही रास्ता बचा है की तुम वही करो जो तुम्हे सबसे अच्छे से आता है यानी कि चोरी चकारी अब ये सुनने के बाद में स्कॉट उसकी बातों पर एग्री करता है और कहता है की हाँ यार अब जिंदगी में रहना तो ये करना तो जरूरी है तब लुइस उसे बताता है घर के बारे में जिसके अंदर कुछ ऐसे है जिसको अगर हम चुरा ले तो फिर हमें चोरी की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि इसे बेचकर हम बहुत ही अमीर हो जाएंगे तो अब स्कॉट इस पे राजी हो जाता है और वो रात को निकल पड़ते चोरी के लिए अब जब स्कॉट उस घर में जाता है तो उसे वहाँ पे कोई अनोखी चीज नहीं दिखती जिसके अच्छे पैसे मिल जाए उसे पर बस एक एक हेलमेट और फैंसी का सूट दिखाई देता है जिसको वो वही पे छोड़ के भाग जाता है लेकिन स्कॉट की किस्मत इतनी खराब थी की उसको पुलिस वापस से पकड़ लेती है और अब जेल में स्कॉट सलाखे गिन रहा था तब यहाँ पे हैंग आता है और उसे कहता है की डोंट वरी स्कॉट तुम डरो मत ये बस मेरा प्लान था कि तुम उस के पास जाओ और उसे पहन के ट्राई करो क्योंकि मैं ये जानना चाहता था कि क्या तुम इस सूट के काबिल हो या नहीं क्योंकि इस सूट में कुछ शक्तियां हैं जो कि मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ तो अगर तुम इस सूट को पहनोगे तो तुम एक बटन को दबाकर अपने साइज को बड़ा या छोटा बना सकते हो और साथ ही तुम क्रिएटर को कंट्रोल भी कर सकते हो तो अब जिस जेल में स्कॉट होता है तो वहाँ पे हैंक अपनी छोटी छोटी चीटियों के साथ में सूट को उसके पास में भिजवा देता है जिसको पहन के स्कॉट छोटा होकर वहाँ से भाग जाता है और आके मिलता है से तो हैंक उसे कहता है कि तुम एक मेरे मिशन पे जाना होगा और ये मिशन ये है कि मेरी बेटी होप ने एक ऐसा सेम सूट बनाया जो कि येलो कलर का है लेकिन वो उससे ज्यादा एडवांस है और होप उसे बेचना चाहते लेकिन मैं ऐसा नहीं होने दूंगा जेल से, तो तो है से बचाया था और अब वो आ जाता है पिम टेक्नोजीज में जहाँ पे येलो सूट को रखा गया था तो वहाँ पे हैंक की बेटी होप उसे देख लेती है तो वो स्कॉट से पूछती कि तुम यहाँ पे क्या करने हो पे स्कॉट के मुंह से पैनिक होकर सच निकल जाता है तो अब उसकी बेटी कहती है की ऐसी बात है तो ठीक है मैं सब कुछ सच बताती हूँ मुझे बहुत दुख है कि मैंने अपने पिता के साथ में गलत किया और मैंने उन्हें इस कंपनी से इसलिए दूर रखा ताकि ये सूट मैं बना सकूं। लेकिन अगर वो सच में ऐसा कोई आदमी खोजना चाहता है जो कि अच्छे से सूट का कंट्रोल कर पाएगा और इसका सही हकदार होगा तो ठीक है मैं तुम्हारा एक टेस्ट लूंगी और साथ ही तुम्हें ट्रेन करूंगा और इसके स्किल्स भी सिखाऊंगी और तब पता चलेगा की तुम इस सूट की सही हकदार हो या नहीं तो अब स्कॉट उसकी बात को मान ले तरफ शुरू होती है स्कॉट की ट्रेनिंग जहाँ पे वो सीखता है की सूट को कैसे बेस्ट तरीके से यूज कर सकते हैं अब एक दिन होप जाते अपने पिता से मिलने के लिए कहती कि मैं हमेशा यही सोचती रहती थी कि आपके और मेरी माँ के बीच में डिवोर्स हो गया जिसके बाद आप आप सिर्फ पिम पार्टिकल्स पे काम करते रहते थे लेकिन मुझे ये सब सब झूठ लगता तो आज मुझसे कुछ सच सच बताएंगे कि आखिर मेरी माँ कहाँ पे है तो अब हैंक उसे सब कुछ सच बताता है कि उसकी वाइफ जिसका नाम था जेनेट वेंडेन तो हैंक ने उसके लिए एक सूट बनाया जिसको उसने वैस्प नाम दिया जिससे की उड़ा भी जा सकता है तो एक दिन और जेनेट एक मिशन पे थे तो उसने सबकी जान बचाने के लिए खुद का साइज बहुत ही छोटा कर लिया और वो इतनी छोटी हुई

जरूर आओगे अब यहाँ पे पूरे भसड़ मच जाता है जहाँ पे एंटमैन हैंक और होप को बचाने की कोशिश कर रहा था और डेरन भी कहीं पे गायब हो जाता और इसी मौके का फायदा उठाने की कोशिश करता है वो पुराने कंपनी का मालिक और वो उस एंटमैन के पिम पार्टिकल लेके भागने लगता है लेकिन उस पिम पार्टिकल पे बॉम्ब लगा था जो की पिम पार्टिकल चोरी होते ही फट जाता और डेण शाड़ा वही पे लमलेट हो जाता है लेकिन वही पे स्कॉट इस धमाके से बचा लेता है हैंक और होप को और अब हैंक की आंखों के सामने उसकी कंपनी धूल में मिल चुकी थी वहीं पे डेरन भी धूल में जाता देखने के लिए सूट को क्योंकि उसने अगर बॉम्ब लगाया

तुमने आखिरकार ऐसा किया कैसे क्योंकि ये देख के मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है क्योंकि अब तुम जब क्वांटम कॉन्टर से बाहर आ सकते हो तो अब उसके वाइफ के भी वापस आने के चांसेस बढ़ गए थे अब वो स्कॉट को बहुत ही अच्छा कहता है जिसके बाद अब हैंक होप को लेकर रूम में जाता है जहाँ पे वो उसे एक न्यू सूट दिखाते हैं जो वैश्व का था और वो उसे की ये मेरी नई इन्वेंशन है जो की तुम्हारे लिए और इसी के साथ ये मूवी यहाँ पे खत्म हो जाती है मूवी की शुरुआत होती है फ्लैश बैक से जहाँ एक इंडस्ट्रीमिक साइंटिस्ट जिसका नाम था हैंक पिम उसने एक पिम पार्टिकल को डिस्कवर किया था अब पिम पार्टिकल के बारे मैं आपको थोड़ा ज्ञान दे दू तो एक ऐसा पार्टिकल है जिसको यूज करके किसी चीज वो लिविंग हो या नॉन लिविंग उसको बड़ा या छोटा किया जा सकता है अब जब इसके बारे में इंडस्ट्री वालों को पता चला तो उन्हें भी लालच आ गया तो हैंग पिम को ये बात अच्छी नहीं लगी तो वो गुस्से में उस कंपनी को छोड़ देता है और अब हम आ जाते हैं प्रेजेंट टाइम में जहाँ पे की एक अपनी कंपनी होती है और उसकी एक बेटी भी होती है जिसका नाम होता है होप जो की हैंक है कहते पापा बहुत बूढ़े हो चुके हैं तो आपको घर पे रेस्ट करना चाहिए और मैं और मेरा कुबा जिसका नाम है टैर हम दोनों इस कंपनी को संभाल सकते हैं अब एक दिन जब हैंक कंपनी में मौजूद नहीं था तो उस दिन उसकी बेटी और डेरन मिलकर एक येलो सूट तैयार करते हैं जिसमें उन्होंने पिम पार्टिकल को यूज किया था और उससे सूट में पावर आ गई थी तो इनका प्लान ये था कि सूट को महंगे प्राइस में बेच जल्दी से जल्दी अमीर बनना चाहते थे जो की बहुत ही गलत बात है अब हम देखते इस मूवी का मेन कैरेक्टर जिसका नाम स्कॉट होता है जो की चोर था जिसके चक्कर में वो जेल से सजा काट वापस आ रहा था तो सबसे पहले तो वो घर जाकर अपनी छोटी बेटी से मिलता है और तब हमें पता चलता है कि स्कॉट और उसकी वाइफ की पहले डिवोर्स हो चुकी थी और तब उसकी वाइफ ने किसी शादी कर ली अब स्कॉट के जेल से निकल जाने के बाद उसे अपनी जिंदगी गुजारने के लिए थे पैसे तो दोस्त ऐसी मैं समझ सकता हूँ प्यारे की तुम्हें कोई जॉब नहीं मिल लेकिन स्कॉट इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं अगर तुम्हें कोई जॉब नहीं देना चाहता अब तुम्हारे पास में एक ही रास्ता बचा है कि तुम वही करो जो तुम्हें सबसे अच्छे से आता है यानी चोरी चकारी अब ये सुनने के बाद में स्कॉट उसकी बातों पे एग्री करता है और कहता है की हाँ यार अब जिंदगी में रहना तो ये करना तो जरूरी है तब लुस उसे बताता है घर के बारे में जिसके अंदर कुछ ऐसा है जिसको अगर हम चुरा ले तो फिर हमें चोरी की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि इसे बेचकर हम बहुत ही अमीर हो जाएंगे तो बेच पे राजी हो जाता है चोरी के लिए अब जब स्कॉट उस घर में जाता है तो उसे वहाँ पे कोई अनोखी चीज नहीं दिखती जिसके अच्छे पैसे मिल जाए उसे वहाँ पर बस एक हेलमेट और एक फैंसी ड्रेस कॉम्पिटिशन का सूट दिखाई देता है जिसको वो वहीं पे छोड़ के भाग जाता है लेकिन स्कॉट की किस्मत इतनी खराब थी की उसको पुलिस वापस ऐसी कर लेती है और अब जेल में स्कॉट सलाखे गिन रहा था तब यहाँ पे हैंग आता और उसे कहता है की डोंट वरी स्कॉट तुम डरो मत ये बस मेरा प्लान था की तुम उस सूट के पास जाओ उसे पहन के ट्राई करो क्योंकि मैं ये जानना चाहता था कि क्या तुम उस सूट के काबिल हो या नहीं क्यूँकी सूट में कुछ शक्तियां हैं जो कि मैं तुम्हें बताना चाहता हूं तो अगर तुम इस सूट को पहनोगे तो तुम एक बटन को दबाकर अपने साइज को बड़ा या छोटा बना सकते हो और साथ ही तुम क्रिएचर्स को कंट्रोल भी कर सकते हो तो अब जिस जेल में स्कॉट होता है तो वहाँ पे हैं अपनी छोटी छोटी चीजों के साथ में सूट को उसके पास भिजवा देता है जिसको पहन के स्कॉट छोटा होके

देख लेती है तो वो स्कॉट से पूछती है तुम यहाँ पे क्या करने हो जिसप स्कॉट के मुंह से पैनिक होकर सच निकल जाता है तो अब उसकी बेटी कहती है कि ऐसी बात है तो ठीक है मैं तुम्हें सब कुछ सच बताती हूँ मुझे बहुत दुख है कि मैंने अपने पिता के साथ में गलत किया और मैंने उन्हें इस कंपनी से इसलिए दूर रखा ताकि ये सूट मैं बना सकूं लेकिन अगर वो सच में ऐसा कोई आदमी खोजना चाहता है जो कि अच्छे से सूट का कंट्रोल कर पाएगा और इसका सही हकदार होगा तो ठीक है मैं तुम्हारा एक टेस्ट लूंगी और साथ ही तुम्हें ट्रेन करूंगा और इसके स्किल्स भी सिखाऊंगी और तब पता चलेगा की तुम इस सूट की सही हकदार हो या नहीं तो अब स्कॉट उसकी बात को मान ले तरफ शुरू होती है स्कॉट की ट्रेनिंग जहाँ पे वो सीखता है की सूट को कैसे बेस्ट तरीके से यूज कर सकते हैं अब एक दिन हो जाते अपने पिता से मिलने के लिए कहती कि मैं हमेशा यही सोचती रहती थी कि आपके और मेरी माँ के बीच में डिवोर्स हो गया जिसके बाद आप सिर्फ पिम पार्टिकल्स पे काम करते रहते थे लेकिन मुझे ये सब सब झूठ लगता तो आज मुझसे कुछ सच सच बताएंगे कि आखिर मेरी माँ कहाँ पे है। तो अब हैंक उसे सब कुछ सच बताता है की उसकी वाइफ जिसका नाम था जेनेट वेन्डेंट तो हैंक ने उसके लिए एक सूट बनाया जिसको उसने वैस्प नाम दिया जिससे की उड़ा भी जा सकता है तो एक दिन हैंक और जेनेट एक मिशन पे थे तो उसने सबकी जान बचाने के लिए खुद का साइज बहुत ही छोटा कर लिया और वो इतनी छोटी हुई

जरूर आओगे अब यहाँ पे पूरे भसड़ मच जाता है जहाँ पे एंटमैन हैंक और होप को बचाने की कोशिश कर रहा था और डेरन भी कहीं पे गायब हो जाता और इसी मौके का फायदा उठाने की कोशिश करता है वो पुराने कंपनी का मालिक और वो उस एंटमैन के पिम पार्टिकल लेके भागने लगता है लेकिन उस पिम पार्टिकल पे बॉम्ब लगा था जो की पिम पार्टिकल चोरी होती फट जाता और डेण शाणा वही पे लमलेट हो जाता है लेकिन वही पे स्कॉट इस धमाके से बचा लेता है हैंक और होप को और अब हैंक की आंखों के सामने उसकी कंपनी धूल में मिल चुकी थी वहीं पे डेरन भी धूल में जाता देखने के लिए सूट को क्योंकि उसने अगर बॉम्ब लगाया

तुमने का ऐसा किया किसे? क्योंकि ये देख के मुझे अच्छा तो भला अच्छा कहता है जिसके बाद अब हैंक होप को लेकर रूम में जाता है जहाँ पे वो उसे एक न्यू सूट दिखाते हैं जो की वैश्व का था और वो उसे कहते है कि ये मेरी नई इन्वेंशन है जो की तुम्हारे लिए और इसी के साथ ये मूवी यहाँ पे खत्म हो जाती है मूवी की शुरुआत होती है 1989 के फ्लैशबैक से जहाँ एक इंडस्ट्री साइंटिस्ट जिसका नाम था हेंग पिम उसने एक पिम पार्टिकल को डिस्कवर किया था अब पिम पार्टिकल के बारे में आपको थोड़ा ज्ञान दे दू तो वे एक ऐसा पार्टिकल है जिसको यूज करके किसी चीज वो लिविंग हो या नॉन लिविंग उसको बड़ा या छोटा किया जा सकता है अब जब इसके बारे में इंडस्ट्री वालों को पता चला तो उन्हें भी लालच आ गया तो हैंग पिम को ये बात अच्छी नहीं लगी तो वो गुस्से में उस कंपनी को छोड़ देता है और अब हम आ जाते हैं प्रेजेंट टाइम में जहाँ पे हैंग की एक अपनी कंपनी होती है और उसकी एक बेटी भी होती है जिसका नाम होता है होप जो की हैंंग से कहते है की पापा बहुत बूढ़े हो चुके हैं तो आपको घर पे रेस्ट करना चाहिए और मैं और मेरा को जिसका नाम है डेरन हम दोनों इस कंपनी को संभाल सकते हैं अब एक दिन जब हैंग कंपनी में मौजूद नहीं था तो उस दिन उसकी बेटी और डेरन मिलकर एक येलो सूट तैयार करते हैं जिसमे उन्होंने पिम पार्टिकल को यूज किया था और उससे सूट पावर आ गई थी तो इनका प्लान ये था कि सूट को महंगे प्राइस में बेचकर जल्दी से जल्दी अमीर बनना चाहते थे जो कि बहुत ही गलत बात है अब हम देखते हैं इस मूवी का मेन कैरेक्टर जिसका नाम स्कॉट होता है जो कि एक चोर था था जिसके चक्कर में वो वो जेल से सजा वापस आ रहा तो तो सबसे पहले तो वो घर जाकर अपनी छोटी बेटी से मिलता है और तब हमें पता चलता है की स्कॉट और उसकी वाइफ की पहले डिवोर्स हो चुकी थी और तब उसकी वाइफ ने किसी और से शादी कर ली अब स्कॉट के जेल से निकल जाने के बाद उसे अपनी जिंदगी गुजारने के लिए चाहिए थे पैसे तो अब स्कॉट निकल पड़ता है जॉब की तलाश में लेकिन अफसोस उसे कोई जॉब नहीं देता क्योंकि उसका क्रिमिनल रिकॉर्ड जो था जिससे कि वो बहुत ही परेशान हो जाता है और तब वो अपने दोस्त से मिलने के लिए जाता है जिसका नाम था लुइस जो कि स्कॉट को कहता है कि मैं समझ सकता हूँ प्यारे की तुम्हें कोई जॉब नहीं मिल रहा लेकिन स्कॉट इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं अगर तुम्हें कोई जॉब नहीं देना चाहता अब तुम्हारे पास में एक ही रास्ता बचा है कि तुम वही करो जो तुम्हें सबसे अच्छे से आता है यानी कि चोरी चकारी अब ये सुनने के बाद में स्कॉट उसकी बातों पर एग्री करता है और कहता है कि हाँ यार अब जिंदगी में रहना तो ये करना तो जरूरी है तब लुइस उसे बताता है घर के बारे में जिसके अंदर कुछ है जिसको अगर हम चुरा ले तो फिर हमें चोरी की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि बेच कर हम बहुत ही अमीर हो जाएंगे तो स्कॉट इस पे राजी हो जाता है और वो रात को निकल पड़ते चोरी के लिए अब जब स्कॉट उस घर में जाता है तो उसे वहाँ पे कोई अनोखी चीज नहीं दिखती जिसके अच्छे पैसे मिल जाए उसे बस एक हेलमेट और एक फैंसी ड्रेस कॉम्पिटिशन का सूट दिखाई देता है जिसको वो वही पे छोड़ के भाग जाता है लेकिन स्कॉट की किस्मत इतनी खराब थी की उसको पुलिस वापस ऐसी पकड़ लेती है और अब जेल में स्कॉट सलाके गिन रहा था तब यहाँ पे हैंग आता है और उसे कहता है की डोंट वरी स्कॉट तुम डरो मत ये बस मेरा प्लान था कि तुम उस सूट के पास जाओ और उसे पहन के ट्राई करो क्योंकि मैं ये जानना चाहता था कि क्या तुम इस सूट के काबिल हो या नहीं क्योंकि इस सूट में कुछ शक्तियां हैं जो कि मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ तो अगर तुम इस सूट को पहनोगे तो तुम एक बटन को दबाकर अपने साइज को को बड़ा या छोटा बना सकते सकते हो हो और साथ ही तुम कंट्रोल भी कर सकते हो। तो अब जिस जेल में होता है तो वहाँ पे हैंक अपनी छोटी छोटी चीजों के साथ में सूट को उसके पास भिजवा देता है जिसको पहन के स्कॉट छोटा होकर वहाँ से भाग जाता है और आके मिलता है तो हैंक उसे कहता है की तुम एक मेरे मिशन पे जाना होगा और ये मिशन ये है की मेरी बेटी होप ने एक ऐसा सेम सूट बनाया जो कि येलो कलर का है लेकिन वो उससे ज्यादा एडवांस है और होप उसे बेचना चाहते है। लेकिन मैं ऐसा नहीं होने दूंगा क्योंकि उसने मेरी ही रिसर्च को यूज करके उसे बनाया और अब उसे करना चाहती है तो तुम वहाँ पे जाओगे और वो आओगे तो स्कॉट उसकी बात को मान लेता है हैंक ने उसे से बचाया था और अब वो आ जाता है पिम टेक्नोलॉजी में जहाँ पे येलो सूट को रखा गया था तो वहाँ पे हैंक की बेटी होप उसे देख लेती है तो वो स्कॉट से पूछती की तुम यहाँ पे क्या करने हो जिसप स्कॉट के मुँह से पैनिक होकर सच निकल जाता है तो अब उसकी बेटी कहती है की ऐसी बात है तो ठीक है मैं सब कुछ सच बताती हूँ मुझे बहुत दुख है कि मैंने अपने पिता के साथ में गलत किया और मैंने उन्हें इस कंपनी से इसलिए दूर रखा ताकि ये सूट मैं बना सकूं। लेकिन अगर वो सच में ऐसा कोई आदमी खोजना चाहता है जो कि अच्छे से सूट का कंट्रोल कर पाएगा और इसका सही हकदार होगा तो ठीक है मैं तुम्हारा एक टेस्ट लूंगी और साथ ही तुम्हें ट्रेन करूंगा और इसके स्किल्स भी सिखाऊंगी और तब पता चलेगा की तुम इस सूट की सही हकदार हो या नहीं तो अब स्कॉट उसकी बात को मान माले तरफ शुरू होती है स्कॉट की ट्रेनिंग पे वो सीखता है सूट को कैसे बेस्ट तरीके से यूज कर सकते हैं अब एक दिन हो जाते अपने पिता से मिलने के लिए कहती कि मैं हमेशा यही सोचती रहती थी कि आपके और मेरी माँ के बीच में डिवोर्स हो गया जिसके बाद अब सिर्फ पिम पार्टिकल्स पे काम करते रहते थे लेकिन मुझे ये सब झूठ लगता तो आप आज मुझसे सब कुछ सच सच बताएंगे कि आखिर मेरी माँ कहाँ पे है तो अब हैंक उसे सब कुछ सच बताता है की उसकी वाइफ जिसका नाम था जेनेट वेन्डें तो हैंक ने उसके लिए एक सूट बनाया जिसको उसने वैस्प नाम दिया जिससे की उड़ा भी जा सकता है तो एक दिन हैंक और जेनेट एक मिशन पे थे तो उसने सबकी जान बचाने के लिए खुद का साइज बहुत ही छोटा कर लिया और वो इतनी छोटी हुई कि वो किसी और दुनिया में चलेगी जिसको कहते हैं क्वांटम और अब वो वहां से कभी वापस नहीं आ सकती क्योंकि में ही और आज भी मैं उसे याद करता हूँ अब यहाँ पे इन दोनों की बातों को भी सुन रहा था तब वो हैंक से कहता है की आपने मुझे इसके बारे में कभी नहीं बताया था उसे सूट दिया ही कहा है और तुम भी इस बात को अपने दिमाग में घुसेड़ के रखो की कभी भी खुद को इतना छोटा मत कर लेना की तुम कभी बड़े ही ना बन पाओ अब हैंक स्कॉट को कहता

जरूर आओगे अब यहाँ पे पूरे भसड़ मच जाता है जहाँ पे एंटमैन हैंक और होप को बचाने की कोशिश कर रहा था और डेरन भी कहीं पे गायब हो जाता और इसी मौके का फायदा उठाने की कोशिश करता है वो पुराने कंपनी का मालिक और वो उस एंटमैन के पिम पार्टिकल लेके भागने लगता है लेकिन उस पिम पार्टिकल पे बॉम्ब लगा था जो की पिम पार्टिकल चोरी होती फट जाता और डेण शाणा वही पे लमलेट हो जाता है लेकिन वही पे स्कॉट इस धमाके से बचा लेता है हैंक और होप को और अब हैंक की आंखों के सामने उसकी कंपनी धूल में मिल चुकी थी वही पे डेरन भी धूल में जाता देखने के लिए सूट को क्योंकि उसने अगर बॉम्ब लगाया

कर लिया था जिससे कि वो क्वान्टल में आ गया था जहाँ पे जाना तो पॉसिबल हो चुका था लेकिन वहाँ से वापस आना पार्टिकल्स यूज होते हैं लेकिन जब एंटमैन क्वान्टल में आता तो उससे वहाँ पे ब्लू कलर के पार्टिकल्स भी नजर आते हैं तो वो क्या करते हैं अपनी बेल्ट में से रेड को ब्लू के साथ रिप्लेस कर देता है जिससे की वो बड़ा होकर वापस बाहर आ जाता है अब ये देखने के बाद में खुश होता है और कहता है कि तुमने आखिर का ऐसा किया किसे क्योंकि ये देख के मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है क्योंकि अब तुम जब से बाहर आ सकते हो तो अब उसके वाइफ के भी वापस आने के चांसेस बढ़ गए थे अब वो स्कॉट को बहुत ही अच्छा भला कहता है जिसके बाद अब हैंक होप को लेकर रूम में जाता है जहाँ पे वो उसे एक न्यू सूट दिखाते हैं जो की वैश्व का था और वो उसे कहते है कि ये मेरी नई इन्वेंशन है जो की तुम्हारे लिए और इसी के साथ ये मूवी यहाँ पे खत्म हो जाती है मूवी की शुरुआत होती है नाइनटीन एटी नाइन के फ्लैश बैक से जहाँ एक इंडस्ट्री में एक पिम पार्टिकल को डिस्कवर किया था। अब पार्टिकल के बारे में आपको थोड़ा ज्ञान दे दू, तो एक ऐसा पार्टिकल है जिसको यूज करके किसी चीज वो लिविंग हो या नॉन लिविंग उसको बड़ा या छोटा किया जा सकता है अब जब इसके बारे में इंडस्ट्री वालों को पता चला तो उन्हें भी लालच आ गया तो हैंक पिम को ये बात अच्छी नहीं लगी तो वो गुस्से में उस कंपनी को छोड़ देता है और अब हम आ जाते हैं प्रेजेंट टाइम में जहाँ पे हैंक अपनी कंपनी होती है और उसकी एक बेटी भी होती है जिसका नाम होता है होप जो की हैंग ऐ से कहते की पापा बहुत बूढ़े हो चुके हैं तो आपको घर पे रेस्ट करना चाहिए और मैं और मेरा को और जिसका नाम है डेरन हम दोनों इस कंपनी को संभाल सकते हैं अब एक दिन जब हैंग कंपनी में मौजूद नहीं था तो उस दिन उसकी बेटी और डेरन मिलकर एक येलो सूट तैयार करते हैं जिसमे उन्होंने पिम पार्टिकल को यूज किया था और उससे सूट में पावर आ गई थी तो इनका प्लान ये था की सूट को महंगे प्राइस में बेच जल्दी से जल्दी अमीर बनना चाहते थे जो की बहुत ही गलत बात है अब हम देखते इस मूवी का मेन कैरेक्टर जिसका नाम स्कॉट होता है जो की चोर था जिसके चक्कर में वो जेल से सजा काट कर वापस आ रहा था तो सबसे पहले तो वो घर जाकर अपनी छोटी बेटी से मिलता है और तब हमें पता चलता है कि स्कॉट और उसकी वाइफ की पहले डिवोर्स हो चुकी थी और तब उसकी वाइफ ने किसी और से शादी कर ली अब स्कॉट के जेल से निकल जाने के बाद उसे अपनी जिंदगी गुजारने के लिए चाहिए पैसे तो अब स्कॉट निकल पड़ता है जॉब की तलाश में लेकिन अफसोस उसे कोई जॉब नहीं देता क्योंकि उसका क्रिमिनल रिकॉर्ड जो था जिससे की वो बहुत ही परेशान हो जाता है और तब वो अपने दोस्त से मिलने के लिए जाता है जिसका नाम था लुइस जो की स्कॉट को कहता है की मैं समझ सकता हूँ प्यारे की तुम्हें कोई जॉब नहीं मिला लेकिन स्कॉट इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं अगर तुम्हें कोई जॉब नहीं देना चाहता अब तुम्हारे पास में एक ही रास्ता बचा है कि तुम वही करो जो तुम्हें सबसे अच्छे से आता है यानी कि चोरी चकारी अब सुनने के बाद में उसकी बातों करता है और कहता है कि हाँ यार अब जिंदगी में रहना तो ये करना तो करना जरूरी है तब है उसे बताता घर के बारे में जिसके अंदर कुछ ऐसा है जिसको अगर हम चुरा ले तो फिर हमें चोरी की जरूरत नहीं पड़ेगी कि बेच कर हम बहुत ही अमीर हो जाएंगे तो अब स्कॉट इस पर राजी हो जाता है और वो रात को निकल पड़ते चोरी के लिए अब जब स्कॉट उस घर में जाता है तो उसे वहाँ पे कोई अनोखी चीज नहीं दिखती जिसके अच्छे पैसे मिल जाते उसे वहाँ पर बस एक हेलमेट और एक फैंसी ड्रेस कॉम्पिटिशन का सूट दिखाई देता है जिसको वो वही पर छोड़ के भाग जाता है लेकिन स्कॉट की किस्मत इतनी खराब थी उसको पुलिस वापस ऐसी पकड़ लेती है और अब जेल में स्कॉट सलाखे था था और उसे कहता है की डोंट वरी स्कॉट तुम डरो मत ये बस मेरा प्लान था कि तुम उस सूट के पास जाओ और उसे पहन के ट्राई करो क्यूँकी मैं ये जानना चाहता था की क्या तुम उस सूट के काबिल हो या नहीं क्यूँकी सूट में कुछ शक्तियाँ हैं जो की मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ तो अगर तुम इस सूट को पहनोगे तो तुम एक बटन को दबाकर अपने साइज को बड़ा या छोटा बना सकते हो और साथ ही तुम क्रिएटर्स को कंट्रोल भी कर सकते हो तो अब जिस जेल में स्कॉट होता है तो वहाँ पे हैंक अपनी छोटी छोटी के साथ में सूट को उसके पास भिजवा देता है जिसको पहन के स्कॉट छोटा होकर से भाग जाता है और आके मिलता है हैंक से। तो हैंक उससे कहता है कि तुम एक मेरे मिशन पे जाना होगा और ये मिशन ये है कि मेरी बेटी होप ने एक ऐसा सेम सूट बनाया जो कि येलो कलर का है लेकिन वो उससे ज्यादा एडवांस है और होप उसे बेचना चाहते हैं लेकिन मैं ऐसा नहीं होने दूंगा क्योंकि उसने मेरी ही रिसर्च को यूज करके उसे बनाया और अब वो उसे मिस करना चाहती है तो तुम वहाँ पे जाओगे और वो सूट मेरे पास में लेके आओगे तो स्कॉट उसकी बात को मान लेता है क्योंकि हैंक ने उसे जेल से बचाया था और अब वो आ जाता है पिम टेक्नोलॉजीज में जहाँ पे येलो सूट को रखा गया था तो वहाँ पे हैंक की बेटी होप उसे देख लेती है तो वो स्कॉट से पूछती है की तुम यहाँ पे क्या करने जिस हो जिसपे स्कॉट के मुंह से पैनिक होकर सच निकल जाता है तो अब उसकी बेटी कहती है ऐसी बात है तो ठीक है कुछ सच बताती हूँ मुझे बहुत दुख है कि मैंने अपने पिता के साथ में गलत किया और मैंने उन्हें इस कंपनी से इसलिए दूर रखा ताकि ये सूट मैं बना सकूं लेकिन अगर वो सच में ऐसा कोई आदमी खोजना चाहता है जो कि अच्छे से सूट का कंट्रोल कर पाएगा और इसका सही हकदार होगा तो ठीक है मैं तुम्हारा एक टेस्ट लूंगी और साथ ही तुम्हें ट्रेन करूंगा और इसके स्किल्स भी सिखाऊंगी और तब पता चलेगा कि की तुम इस सूट के सही हकदार हो या नहीं तो अब स्कॉट उसकी बात को मान ले तरफ शुरू होती है स्कॉट की ट्रेनिंग जहाँ पे वो सीखता है की सूट को कैसे बेस्ट तरीके से यूज कर सकते हैं अब एक दिन होप जाते पिता से मिलने के लिए कहती कि मैं हमेशा यही सोचती रहती थी कि आपके और मेरी माँ के बीच में डिवोर्स हो गया जिसके बाद आप सिर्फ पिम पार्टिकल्स पे काम करते रहते थे लेकिन मुझे ये सब झूठ लगता है तो मुझसे सब कुछ सच सच बताएंगे कि आखिर मेरी माँ कहाँ पे है तो अब है सब कुछ सच बताता है कि उसकी वाइफ जिसका नाम था जेनेट वेंडन तो हैंक ने उसके लिए एक सूट बनाया जिसको उसने वैस्प नाम दिया जिससे की उड़ा भी जा सकता है तो एक दिन हैंक और जेनेट एक मिशन पे थे तो उसने सबकी जान बचाने के लिए खुद का साइज बहुत ही छोटा कर लिया और वो इतनी छोटी हुई

जरूर आओगे अब यहाँ पे पूरे भसड़ मच जाता है जहाँ पे एंटमैन हैंक और होप को बचाने की कोशिश कर रहा था और डेरन भी कहीं पे गायब हो जाता है और इसी मौके का फायदा उठाने की कोशिश करता है वो पुरानी कंपनी का मालिक और वो उस एंटमैन के पिम पार्टिकल लेके भागने लगता है लेकिन उस पिम पार्टिकल पे बॉम्ब लगा था जो की पिम पार्टिकल चोरी होती फट जाता है और डेर साढ़ा वही पे लमलेट हो जाता है लेकिन वही पे स्कॉट इस धमाके से बचा लेता है हैंक और होप को और अब हैंक की आंखों के सामने उसकी कंपनी धूल में मिल चुकी थी वही पे डेरन भी धूल में जाता देखने के लिए सूट को क्योंकि उसने अगर बॉम्ब लगाया

छोटा कर लिया था जिससे कि वो क्वांटम रियाल में आ गया था जहाँ पे जाना तो पॉसिबल हो चुका था लेकिन वहां से वापस आना नामुमकिन था क्योंकि हैंक की फंसी थी अब 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 स्कॉट बहुत ही परेशान हो जाता है और मैं आपको क्लियर कर देता एंटमैन एंटमैन से बाहर कैसे जैसा हम जानते कि के अंदर रेड कलर के पिन पार्टिकल्स यूज होते हैं लेकिन जब एंटमैन इस क्वांटम रियल में आता है तो उससे वहाँ पे ब्लू कलर के पार्टिकल्स भी नजर आते हैं तो वो क्या करता है अपनी बेल्ट में से रेड को ब्लू के साथ रिप्लेस कर देता है जिससे कि वो बड़ा होकर वापस बाहर आ जाता है अब ये देखने के बाद में हैंक बहुत ही खुश होता है और कहता है की तुमने का ऐसा किया क्योंकि ये देख के, अच्छा तो के, के चांसेस बढ़ गए थे अब वो स्कॉट को बहुत ही अच्छा भला कहता है जिसके बाद अब हैंक होप को लेकर रूम में जाता है जहाँ पे वो उसे एक न्यू सूट दिखाते हैं जो की वैस्प का था और वो उसे कहते है कि ये मेरी नई इन्वेंशन है जो की तुम्हारे लिए और इसी के साथ ये मूवी यहाँ पे खत्म हो जाती है मूवी की शुरुआत होती है 1989 के फ्लैशबैक से जहाँ एक इंडस्ट्रीमिक्स साइंटिस्ट जिसका नाम था हैंक पिम उसने एक पिम पार्टिकल को डिस्कवर किया था अब पिम पार्टिकल के बारे में आपको थोड़ा ज्ञान दे दू तो वे एक ऐसा पार्टिकल है जिसको यूज करके किसी चीज वो लिविंग हो या नॉन लिविंग उसको बड़ा या छोटा किया जा सकता है अब जब इसके बारे में इंडस्ट्री वालों को पता चला तो उन्हें भी लालच आ गया तो हैंग पिम को ये बात अच्छी नहीं लगी तो वो गुस्से में उस कंपनी को छोड़ देता है और अब हम आ जाते हैं प्रेजेंट टाइम में जहाँ पे हैंक अपनी कंपनी होती है और उसकी एक बेटी भी होती है जिसका नाम होता है होप जो की हैंंग से कहती है की पापा बहुत बूढ़े हो चुके हैं तो आपको घर पे रेस्ट करना चाहिए और मैं और मेरा को वक जिसका नाम है डेरन हम दोनों इस कंपनी को संभाल सकते हैं अब एक दिन जब हैंक कंपनी में मौजूद नहीं था तो उस दिन उसकी बेटी और डेरन मिलकर एक येलो सूट तैयार करते हैं जिसमें उन्होंने पिम पार्टिकल को यूज किया था और उससे सूट में पावर आ गई थी तो इनका प्लान ये था कि सूट को महंगे प्राइस में बेचकर जल्दी से जल्दी अमीर बनना चाहते थे जो कि बहुत ही गलत बात है अब हम देखते हैं इस मूवी का मेन कैरेक्टर जिसका नाम स्कॉट होता है जो कि एक चोर था जिसके चक्कर में वो जेल से सजा वापस आ रहा था तो सबसे पहले तो वो घर जाकर अपनी छोटी बेटी से मिलता है और तब हमें पता चलता है की स्कॉट और उसकी वाइफ की पहले डिवोर्स हो चुकी थी और तब उसकी वाइफ ने किसी और से शादी कर ली अब स्कॉट के जेल से निकल जाने के बाद उसे अपनी जिंदगी गुजारने के लिए चाहिए थे पैसे तो अब स्कॉट निकल पड़ता है जॉब की तलाश में लेकिन अब सोस उसे कोई जॉब नहीं देता क्योंकि उसका क्रिमिनल रिकॉर्ड जो था जिससे कि वो बहुत ही परेशान हो जाता है और तब वो अपने दोस्त से मिलने के लिए जाता है जिसका नाम था लुइस जो कि स्कॉट को कहता है कि मैं समझ सकता हूँ प्यार की कोई जॉब नहीं मिल लेकिन स्कॉट इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं अगर तुम्हें कोई जॉब नहीं देना चाहता अब तुम्हारे पास में एक ही रास्ता बचा है की तुम वही करो जो तुम्हें सबसे अच्छे से आता है यानी की चोरी चकारी अब ये सुनने के बाद में स्कॉट उसकी बातों पर एग्री करता है और कहता है की हाँ यार अब जिंदगी में रहना तो ये करना तो जरूरी है तब लुइस उसे बताता है घर के बारे में जिसके अंदर कुछ है जिसको अगर हम चुरा ले तो फिर हमें चोरी की जरूरत नहीं पड़ेगी इसे बेच करेंगे तो रात को निकल पड़ते चोरी के लिए अब जब उस में जाता है, तो उसे कोई अनोखी चीज नहीं दिखती जिसके अच्छे पैसे मिल जाए उसे जिसको वो वही पे छोड़ के भाग जाता है लेकिन स्कॉट की किस्मत इतनी खराब थी की उसको पुलिस वापस ऐसी पकड़ लेती है और अब जेल में स्कॉट सलाखे गिन रहा था तब यहाँ पे हैं और उसे कहता है की डोंट वरी स्कॉट तुम डरो मत ये बस मेरा प्लान था कि तुम उस सूट के पास जाओ और उसे पहन के ट्राई करो क्योंकि मैं ये जानना चाहता था कि क्या तुम इस सूट के काबिल हो या नहीं क्योंकि इस सूट में कुछ शक्तियां हैं जो कि मैं तुम्हें बताना चाहता हूं तो अगर तुम इस सूट को पहनोगे तो तुम एक बटन को दबाकर अपने साइज को बड़ा या छोटा बना सकते हो और साथ ही तुम को कंट्रोल भी कर सकते हो तो अब जिस जेल में स्कॉट होता है तो वहाँ पे हैंक अपनी छोटी छोटी चीटों के साथ में सूट को उसके पास भिजवा देता है जिसको पहन के स्कॉट छोटा होकर वहाँ से भाग जाता है और आके मिलता है से तो हैंक उसे कहता है कि तुम एक मेरे मिशन पे जाना होगा और ये मिशन ये है कि मेरी बेटी होप ने एक ऐसा सेम सूट बनाया जो कि येलो कलर का है लेकिन वो उससे ज्यादा एडवांस है और होप उसे बेचना चाहते लेकिन मैं ऐसा नहीं होने दूंगा बचाया था और अब वो आ जाता पिम टेक्नोलॉजी में जहाँ पे येलो सूट को रखा गया था तो वहाँ पे हैंक की बेटी होप उसे देख लेती है तो वो स्कॉट से पूछती की तुम यहाँ पे क्या करने हो जिसपे स्कॉट के मुझसे पैनिक होकर सच निकल जाता है तो अब उसकी बेटी कहती है की ऐसी बात है तो ठीक है मैं सब कुछ सच बताती हूँ मुझे बहुत दुख है कि मैंने अपने पिता के साथ में गलत किया और मैंने उन्हें इस कंपनी से इसलिए दूर रखा ताकि ये सूट मैं बना सकूं लेकिन अगर वो सच में ऐसा कोई आदमी खोजना चाहता है जो कि अच्छे से सूट का कंट्रोल कर पाएगा और इसका सही हकदार होगा तो ठीक है मैं तुम्हारा एक टेस्ट लूंगी और साथ ही तुम्हें ट्रेन करूंगा और इसके स्किल्स भी सिखाऊंगी और तब पता चलेगा की तुम इस सूट की सही हकदार हो या नहीं तो अब स्कॉट उसकी बात को मान ले तरफ शुरू होती है स्कॉट की ट्रेनिंग जहाँ पे वो सीखता है की सूट को कैसे बेस्ट तरीके से यूज कर सकते हैं अब एक दिन होप जाते अपने पिता से मिलने के लिए कहती कि मैं हमेशा यही सोचती रहती थी कि आपके और मेरी माँ के बीच में डिवोर्स हो गया जिसके बाद आप सिर्फ पिम पार्टिकल्स पे काम करते रहते थे लेकिन मुझे ये सब सब झूठ लगता तो आप आज मुझसे कुछ सच सच बताएंगे कि आखिर मेरी माँ कहाँ पे है तो अब हैंक उसे सब कुछ सच बताता है कि उसकी वाइफ जिसका नाम था जेनेट तो हैंक ने उसके लिए सूट बनाया जिसको उसने वैस्प नाम दिया जिससे कि उड़ा भी जा सकता है तो एक दिन हैंक और जेनेट एक मिशन पे थे तो उसने सबकी जान बचाने के लिए खुद का साइज बहुत ही छोटा कर लिया और वो इतनी छोटी हुई

स्कॉट अब वो टाइम आ गया जब मैं तुम्हें तुम्हारे पहले मिशन पे भेज रहा हूँ क्योंकि तुमने सीख लिया के सूट को करना वो उसे कि जिस इंडस्ट्री को मैंने सालों पहले छोड़ दिया था को कि नो फियर चाचा, को और वो निकल पड़ता है पिम के उसने के सूट को पहना था। और अब यहाँ पे होप के को का डेरिन ने उसे धोखा देकर कंपनी को हथियार लिया और उसी शख्स के साथ में मिल गया जिसको ठुकरा दिया था अब यहाँ पे स्कॉट उस खुफिया डिवाइस को आराम से चोरी कर लेता

जरूर आओगे अब यहाँ पे पूरे भसड़ मच जाता है जहाँ पे एंटमैन हैंक और होप को बचाने की कोशिश कर रहा था और भी कहीं पे गायब हो जाता मौके का फायदा उठाने की कोशिश करता है वो पुरानी कंपनी का मालिक और वो उस एंटमैन के पिम पार्टिकल लेके भागने लगता है लेकिन उस पार्टिकल पे लगा था जो की पिम पार्टिकल चोरी होते ही फट जाता है और डेण शाड़ा वही पे लमलेट हो जाता है लेकिन वही पे स्कॉट इस धमाके से बचा लेता है हैंक और होप को और अब हैंक की आंखों के सामने उसकी कंपनी धूल में मिल चुकी थी वहीं पे डेरन भी धूल में जाता देखने के लिए सूट को क्यूँकी उसने अगर बॉम्ब लगाया

तुमने आखिरकार ऐसा किया किसे क्योंकि ये देख के मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है क्योंकि अब तुम जब से बाहर आ सकते हो तो अब अब उसके वाइफ के के भी वापस आने चांसेस बढ़ गए थे अब वो स्कॉट को बहुत ही अच्छा भला कहता है जिसके बाद अब हैंक होप को लेकर रूम में जाता है जहाँ पे वो उसे एक न्यू सूट दिखाते हैं जो की वैश्व का था और वो उसे कहते है कि ये मेरी नई इन्वेंशन है जो की तुम्हारे लिए और इसी के साथ ये मूवी यहाँ पे खत्म हो जाती है

ंग से कहते कि पापा आप बहुत बूढ़े हो चुके हैं तो आपको घर पे रेस्ट करना चाहिए और मैं और मेरा को जिसका नाम है डेरन हम दोनों इस कंपनी को संभाल सकते हैं अब एक दिन जब हैंग कंपनी में मौजूद नहीं था तो उस दिन उसकी बेटी और डेरन मिलकर एक येलो सूट तैयार करते हैं जिसमे उन्होंने पिम पार्टिकल को यूज किया था और उससे सूट में पावर आ गई थी तो इनका प्लान ये था की सूट को महंगे प्राइस में बेच जल्दी से जल्दी अमीर बनना चाहते थे जो की बहुत ही गलत बात है अब हम देखते इस मूवी का मेन कैरेक्टर जिसका नाम स्कॉट होता है जो की चोर था जिसके चक्कर में वो जेल से सजा काट कर वापस आ रहा था तो सबसे पहले तो वो घर जाकर अपनी छोटी बेटी से मिलता है और तब हमें पता चलता है कि स्कॉट और उसकी वाइफ की पहले डिवोर्स हो चुकी थी और तब उसकी वाइफ ने किसी और से शादी कर ली अब स्कॉट के जेल से निकल जाने के बाद उसे अपनी जिंदगी गुजारने के लिए चाहिए थे पैसे तो अब स्कॉट निकल पड़ता है जॉब की तलाश में लेकिन अफसोस उसे कोई जॉब नहीं देता क्यूकी उसका क्रिमिनल रिकॉर्ड जो था जिससे की वो बहुत ही परेशान हो जाता है और तब वो अपने दोस्त से मिलने के लिए जाता है जिसका नाम था लुइस जो की स्कॉट को कहता है की समझ सकता हूँ प्यारे की तुम्हें कोई जॉब नहीं मिल रहा लेकिन स्कॉट इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं अगर तुम्हें कोई जॉब नहीं देना चाहता अब तुम्हारे पास में एक ही रास्ता बचा है कि तुम वही करो जो तुम्हें सबसे अच्छे से आता है यानी कि कि चोरी चकारी अब अब सुनने के बाद में में बातों एग्री करता है 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 और कहता कि हाँ यार जिंदगी रहना तो ये करना तो करना जरूरी है। तब उसे बताता है, घर के बारे में जिसके अंदर कुछ ऐसा है जिसको अगर हम चुरा ले तो फिर हमें चोरी की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि बेचकर हम बहुत ही अमीर हो जाएंगे तो स्कॉट इस पर राजी हो जाता है और वो रात को निकल पड़ते चोरी के लिए अब जब स्कॉट उस घर में जाता है तो उसे वहाँ पे कोई अनोखी चीज नहीं दिखती जिसके अच्छे पैसे मिल जाए उसे वहाँ पर बस एक हेलमेट और एक फैंसी ड्रेस कॉम्पिटिशन का सूट दिखाई देता है जिसको वो वही छोड़ के भाग जाता है लेकिन स्कॉट की किस्मत इतनी खराब थी उसको पुलिस वापस ऐसी पकड़ लेती है और अब जेल में स्कॉट सलाखे गिन रहा था तब यहाँ पे हैंग आता है उसे कहता है की डोंट वरी स्कॉट तुम डरो मत ये बस मेरा प्लान था की तुम उस सूट के पास जाओ और उसे पहन के ट्राई करो क्यूँकी मैं ये जानना चाहता था की क्या तुम इस सूट के काबिल हो या नहीं क्यूँकी सूट में कुछ शक्तियाँ हैं जो की मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ तो अगर तुम इस सूट को पहनोगे तो तुम एक बटन को दबाकर अपने साइज को बड़ा या छोटा बना सकते हो और साथ ही तुम को कंट्रोल भी कर सकते हो तो अब जिस जेल में स्कॉट होता है तो वहाँ पे हैंक अपनी छोटी छोटी चीटों के साथ में सूट को उसके पास में भिजवा देता है जिसको पहन के स्कॉट छोटा होकर वहाँ से भाग जाता है और आके मिलता है हैंक से तो हैंक उससे कहता है कि तुम एक मेरे मिशन पे जाना होगा और ये मिशन ये है कि मेरी बेटी होप ने एक ऐसा सेम सूट बनाया जो कि येलो कलर का है लेकिन वो उससे ज्यादा एडवांस है और होप उसे बेचना चाहते हैं लेकिन मैं ऐसा नहीं होने दूंगा क्योंकि उसने मेरी ही रिसर्च को यूज करके उसे बनाया और अब वो उसे मिस यूज करना चाहती है तो तुम वहाँ पे जाओगे और वो सूट मेरे पास में लेके आओगे तो स्कॉट उसकी बात को मान लेता है क्योंकि हैंक ने उसे जेल से बचाया था और अब वो आ जाता है पिम टेक्नोलॉजीज में जहाँ पे येलो सूट को रखा गया था तो वहाँ पे हैंक की बेटी होप उसे देख लेती है तो वो स्कॉट से पूछती है कि तुम यहाँ पे क्या करने जिस हो जिस पे स्कॉट के मुंह से पैनिक होके सच निकल जाता है तो अब उसकी बेटी कहती है कैसी बात है तो ठीक है मैं तुम्हें सब कुछ सच बताती हूं मुझे बहुत दुख है कि मैंने अपने पिता के साथ में गलत किया और मैंने उन्हें इस कंपनी से इसलिए दूर रखा ताकि की ये सूट मैं बना सकूं लेकिन अगर वो सच में ऐसा कोई आदमी खोजना चाहता है जो कि अच्छे से सूट का कंट्रोल कर पाएगा और इसका सही हकदार होगा तो ठीक है मैं तुम्हारा एक टेस्ट लूंगी और साथ ही तुम्हें ट्रेन करूंगा और इसके स्किल्स भी सिखाऊंगी और तब पता चलेगा की तुम इस सूट की सही हकदार हो या नहीं तो अब स्कॉट उसकी बात को मान ले तरफ शुरू होती है स्कॉट की ट्रेनिंग जहाँ पे वो सीखता है की सूट को कैसे बेस्ट तरीके से यूज कर सकते हैं अब एक दिन होप जाते अपने पिता से मिलने के लिए कहती कि मैं हमेशा यही सोचती रहती थी कि आपके और मेरी माँ के बीच में डिवोर्स हो गया जिसके बाद आप सिर्फ पिम पार्टिकल्स पे काम करते रहते थे लेकिन मुझे ये सब झूठ लगता तो आप आज मुझसे सब कुछ सच सच बताएंगे कि आखिर मेरी माँ कहाँ पे है। तो अब हैंक उसे सब कुछ सच बताता है कि उसकी वाइफ जिसका नाम था जेनेट तो हैंक ने उसके लिए एक सूट बनाया जिसको उसने वैस्प नाम दिया जिससे की उड़ा भी जा सकता है तो एक दिन हैंक और जेनेट एक मिशन पे थे तो उसने सबकी जान बचाने के लिए खुद का साइज बहुत ही छोटा कर लिया और वो इतनी छोटी हुई कि वो किसी और दुनिया में चलेगी जिसको कहते हैं क्वांटम रियान और अब वो वहां से कभी वापस

पे काम कर रहा है और यहाँ पे उसने इसे बेचने के लिए एक मीटिंग भी तैयार करके कर कर रखी है, के के है। जहाँ से वो कंपनी के को उस जगह पे आ जाता है और सूट को चुराने ही वाला होता है उसे पकड़ लेता और कहता है मैं जानता था कि तुम टेड़ी पूछ वाले जरूर आओगे अब यहाँ पे पूरे भसड़ मच जाता है जहाँ पे एंटमेन हैंक और होप को बचा

और अब वो सीधा जाता है स्कॉट के घर पे उसकी बेटी को पकड़ लेता है स्कॉट को ब्लैकमेल करने के लिए अब ये सुनने के बाद में स्कॉट फटाक से घर पे जाता है और डेरन से लड़ने लगता है और अब वापस से दोनों के बीच में भयंकर फाइट का प्रदर्शन देखते हैं तब स्कॉट को एक आइडिया आता है की क्यूँ ना मैं खुद को छोटा करके इसके अंदर जाके इसके सिस्टम को क्रैश कर दू और वो ऐसा ही करता है जिससे की उसका प्लान सक्सेस हो जाता है और डेरन का सूट वहीं पे खराब हो जाता है लेकिन स्कॉट से यहाँ पे गलती हो गई थी और उसने गलती ये की थी कि उसने खुद को बहुत ही ज्यादा छोटा कर लिया था जिससे कि वो क्वांटम रियल में आ गया था जहाँ पे जाना तो पॉसिबल हो चुका था लेकिन वहाँ से वापस आना नामुमकिन था क्योंकि हैंग की वाइबी यहीं फंसी थी अब स्कॉट बहुत ही परेशान हो जाता है लेकिन जब रियल में आता तो वहाँ पे ब्लू कलर के पार्टिकल्स भी नजर आते हैं तो वो क्या करते हैं अपनी बेल्ट में से रेड को ब्लू के साथ रिप्लेस कर देता है जिससे की वो बड़ा होकर वापस बाहर आ जाता है अब ये देखने के बाद में हैंक बहुत ही खुश होता है और कहता है की तुमने आखिर ऐसा किया कैसे क्यूँकी ये देख के मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है क्यूँकी अब तुम जब क्वांटमियल से बाहर आ सकते हो तो अब उसके वाइफ के भी वापस आने के चांसेस बढ़ गए थे अब वो स्कॉट को बहुत ही अच्छा भला कहता है जिसके बाद अब हैंक होप को लेकर रूम में जाता है जहां पे वो उसे एक न्यू सूट दिखाते हैं जो कि वैस्प का था और वो उसे कहते है कि ये मेरी नई इन्वेंशन है जो कि तुम्हारे लिए और इसी के साथ ये मूवी यहां पे खत्म हो जाती है मूवी की शुरुआत होती है 1989 के फ्लैशबैक से जहाँ एक इंडस्ट्री साइंटिस्ट जिसका नाम था हैंक पिम उसने एक पिम पार्टिकल को डिस्कवर किया था अब पिम पार्टिकल के बारे में आपको थोड़ा ज्ञान दे दू तो वो एक ऐसा पार्टिकल है जिसको यूज करके किसी चीज वो लिविंग हो या नॉन लिविंग उसको बड़ा या छोटा किया जा सकता है अब जब इसके बारे में इंडस्ट्री वालों को पता चला तो उन्हें भी लालच आ गया तो हैंग पिम को ये बात अच्छी नहीं लगी तो वो गुस्से में उस कंपनी को छोड़ देता है और अब हम आ जाते हैं प्रेजेंट टाइम में जहाँ पे हैंग की एक अपनी कंपनी होती है और उसकी एक बेटी भी होती है जिसका नाम होता है होप जो की हैंग से कहती है की पापा बहुत बूढ़े हो चुके हैं तो आपको घर पे रेस्ट करना चाहिए और मैं और मेरा कोवा को जिसका नाम है डेरन हम दोनों इस कंपनी को संभाल सकते हैं अब एक दिन जब हैंग कंपनी में मौजूद नहीं था तो उस दिन उसकी बेटी और डेरन मिलकर एक येलो सूट तैयार करते हैं जिसमें उन्होंने पिम पार्टिकल को यूज किया था और उससे सूट पावर आ गई थी तो इनका प्लान ये था कि सूट को महंगे प्राइस में बेच से जल्दी तो तो जाकर अपनी छोटी बेटी से मिलता है और तब हमें पता चलता है कि स्कॉट और उसकी वाइफ की पहले डिवोर्स हो चुकी थी और तब उसकी वाइफ ने किसी और से शादी कर ली अब स्कॉट के जेल से निकल जाने के बाद उसे अपनी जिंदगी गुजारने के लिए चाहिए पैसे तो अब स्कॉट निकल पड़ता है जॉब की तलाश में लेकिन अब उसे कोई जॉब नहीं देता क्यूँकि उसका क्रिमिनल रिकॉर्ड जो था जिससे की वो बहुत ही परेशान हो जाता है और तब वो अपने दोस्त ऐसी मिलने के लिए जाता है जिसका नाम था लुइस जो की स्कॉट को कहता है की समझ सकता हूँ जॉब नहीं मिल रहा लेकिन स्कॉट इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं अगर तुम्हें कोई जॉब नहीं देना चाहता अब तुम्हारे पास में एक ही रास्ता बचा है कि तुम वही करो जो तुम्हें सबसे अच्छे से आता है यानी कि चोरी चकारी अब ये सुनने के बाद में स्कॉट उसकी बातों पे एग्री करता है और कहता है कि हाँ यार अब जिंदगी में रहना तो ये करना तो जरूरी है तब लुइस उसे बताता है घर के बारे में जिसके अंदर कुछ ऐसा है जिसको अगर हम चुरा ले तो फिर हमें चोरी की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि बेच बेचकर हम बहुत ही चोरी के लिए अब जब उस में जाता है, तो उसे कोई अनोखी चीज नहीं दिखती जिसके अच्छे पैसे मिल जाए उसे जिसको वो वही पे छोड़ के भाग जाता है लेकिन स्कॉट की किस्मत इतनी खराब थी कि उसको पुलिस वापस से पकड़ लेती है और अब जेल में स्कॉट गिन रहा था तब यहाँ पे हैं और उसे कहता है कि डोंट वरी स्कॉट तुम डरो मत ये बस मेरा प्लान था कि तुम उस सूट के पास जाओ और उसे पहन के ट्राई करो क्योंकि मैं ये जानना चाहता था कि क्या तुम इस सूट के काबिल हो या नहीं क्यूँकी सूट में कुछ शक्तियां हैं जो कि मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ तो अगर तुम इस सूट को पहनोगे तो तुम एक बटन को दबाकर अपने साइज को बड़ा या छोटा बना सकते हो और साथ ही तुम को कंट्रोल भी कर सकते हो तो अब जिस जेल में स्कॉट होता है तो वहाँ पे हैंक अपनी छोटी छोटी चीजों के साथ में सूट को उसके पास भिजवा देता है जिसको पहन के स्कॉट छोटा होकर वहाँ से भाग जाता है और आके मिलता है से तो हैंक उससे कहता है कि तुम एक मेरे मिशन पे जाना होगा और ये मिशन ये है कि मेरी बेटी होप ने एक ऐसा सेम सूट बनाया जो कि येलो कलर का है लेकिन वो उससे ज्यादा एडवांस है और होप उसे बेचना चाहते हैं लेकिन मैं ऐसा नहीं होने दूंगा क्योंकि उसने मेरी ही रिसर्च को यूज करके उसे उसे बनाया और अब वो से मिस करना चाहती है तो तुम वहां पे जाओगे और वो सूट मेरे पास में लेके आओगे तो स्कॉट उसकी बात को मान लेता है हैंक ने उसे जेल से बचाया था और अब वो आ जाता है पिम टेक्नोलॉजी में जहाँ पे येलो सूट को रखा गया था तो वहाँ पे हैंक की बेटी होप उसे देख लेती है तो वो स्कॉट से पूछती है की तुम यहाँ पे क्या करने हो जिसप स्कॉट के मुँह से पैनिक होकर सच निकल जाता है तो अब उसकी बेटी कहती है की ऐसी बात है तो ठीक है मैं सब कुछ सच बताती हूँ मुझे बहुत दुख है कि मैंने अपने पिता के साथ में गलत किया और मैंने उन्हें इस कंपनी से इसलिए दूर रखा ताकि ये सूट मैं बना सकूँ लेकिन अगर वो सच में ऐसा कोई आदमी खोजना चाहता है जो की अच्छे से सूट का कंट्रोल कर पाएगा और इसका सही हकदार होगा तो ठीक है मैं तुम्हारा एक टेस्ट लूंगी और साथ ही तुम्हें ट्रेन करूंगा और इसके स्किल्स भी सिखाऊंगी और तब पता चलेगा की तुम इस सूट की सही हकदार हो या नहीं तो अब स्कॉट उसकी बात को मान मानले तरफ शुरू होती है स्कॉट की ट्रेनिंग जहाँ पे वो सीखता है की सूट को कैसे बेस्ट तरीके से यूज कर सकते हैं अब एक दिन हो जाते अपने पिता से मिलने के लिए कहती कि मैं हमेशा यही सोचती रहती थी कि आपके और मेरी माँ के बीच में डिवोर्स हो गया जिसके बाद आप आप सिर्फ पिम पार्टिकल्स पे काम करते रहते थे लेकिन मुझे ये सब सब झूठ लगता तो आज मुझसे कुछ सच सच बताएंगे कि आखिर मेरी माँ कहाँ पे है। तो अब हैंक उसे सब कुछ सच बताता है कि उसकी वाइफ जिसका नाम था जेनेट वेन्थ तो हैंक ने उसके लिए एक सूट बनाया जिसको उसने वैस्प नाम दिया जिससे कि उड़ा भी जा सकता है तो एक दिन हैंक और जेनेट एक मिशन पे थे तो उसने सबकी जान बचाने के लिए खुद का साइज बहुत ही छोटा कर लिया और वो इतनी छोटी हुई

जरूर आओगे अब यहाँ पे पूरे भसड़ मच जाता है जहाँ पे एंटमैन हैंक और होप को बचाने की कोशिश कर रहा था और डेरन भी कहीं पे गायब हो जाता और इसी मौके का फायदा उठाने की कोशिश करता है वो पुराने कंपनी का मालिक और वो उस एंटमैन के पिम पार्टिकल लेके भागने लगता है लेकिन उस पिम पार्टिकल पे बॉम्ब लगा था जो की पिम पार्टिकल चोरी होती फट जाता और डेण शाणा वहीं पे लमलेट हो जाता है लेकिन वही पे स्कॉट इस धमाके से बचा लेता है हैंक और होप को और अब हैंक की आंखों के सामने उसकी कंपनी धूल में मिल चुकी थी वहीं पे डेरन भी धूल में जाता देखने के लिए सूट को क्योंकि उसने अगर बॉम्ब लगाया

कर लिया था जिससे कि वो क्वांटम रियाल में आ गया था जहाँ पे जाना तो पॉसिबल हो चुका था लेकिन थी। अब मैं कलर के पिन यूज होते हैं लेकिन जब एंटमैन क्वान्टियल में आता है तो उससे वहाँ पे ब्लू कलर के पार्टिकल्स भी नजर आते हैं तो वो क्या करते हैं अपनी बेल्ट में से रेड को ब्लू के साथ रिप्लेस कर देता है जिससे की वो बड़ा होकर वापस बाहर आ जाता है अब ये देखने के बाद में खुश होता है और कहता है कि तुमने आखिरकार ऐसा किया किसे क्योंकि ये देख के मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है क्योंकि अब तुम जब से बाहर आ सकते हो तो अब उसके वाइफ के भी वापस आने के चांसेस बढ़ गए थे अब वो स्कॉट को बहुत ही अच्छा भला कहता है जिसके बाद अब हैंक होप को लेकर रूम में जाता है जहाँ पे वो उसे एक न्यू सूट दिखाते हैं जो की वैश्व का था और वो उसे कहते है कि ये मेरी नई इन्वेंशन है जो की तुम्हारे लिए और इसी के साथ ये मूवी यहाँ पे खत्म हो जाती है मूवी की शुरुआत होती है 1989 के फ्लैशबैक से जहाँ एक इंडस्ट्री में एक नॉन तो लिविंग अब जब इसके बारे में इंडस्ट्री वालों को पता चला तो उन्हें भी लालच आ गया तो हैंक पिम को ये बात अच्छी नहीं लगी तो वो गुस्से में उस कंपनी को छोड़ देता है और अब हम आ जाते हैं प्रेजेंट टाइम में जहाँ पे हैंक की अपनी कंपनी होती है और उसकी एक बेटी भी होती है जिसका नाम होता है होप जो की हैं से कहते पापा आप बहुत बूढ़े हो चुके हैं तो आपको घर पे रेस्ट करना चाहिए और मैं और मेरा कोवक को और जिसका नाम है डेरन हम दोनों इस कंपनी को संभाल सकते हैं अब एक दिन जब कंपनी में मौजूद नहीं था तो उस दिन उसकी बेटी और डेरन मिलकर येलो सूट तैयार करते हैं जिसमे उन्होंने पिम पार्टिकल को यूज किया था और उससे सूट में पावर आ गई थी तो इनका प्लान ये था की सूट को महंगे प्राइस में बेच जल्दी से जल्दी अमीर बनना चाहते थे जो की बहुत ही गलत बात है अब हम देखते है इस मूवी का मेन कैरेक्टर जिसका नाम स्कॉट होता है जो की चोर था जिसके चक्कर में वो जेल से सजा काट कर वापस आ रहा था तो सबसे पहले तो वो घर जाकर अपनी छोटी बेटी से मिलता है और तब हमें पता चलता है कि स्कॉट और उसकी वाइफ की पहले डिवोर्स हो चुकी थी और तब उसकी वाइफ ने किसी और से शादी कर ली अब स्कॉट के जेल से निकल जाने के बाद उसे अपनी जिंदगी गुजारने के लिए चाहिए पैसे तो अब स्कॉट निकल पड़ता है जॉब की तलाश में लेकिन अफसोस उसे कोई जॉब नहीं देता क्यूँकी उसका क्रिमिनल रिकॉर्ड जो था जिससे की वो बहुत ही परेशान हो जाता है और तब वो अपने दोस्त से मिलने के लिए जाता है जिसका नाम था लुइस जो की स्कॉट को कहता है की मैं समझ सकता हूँ प्यारे की तुम्हें कोई जॉब नहीं मिल रहा लेकिन स्कॉट इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं अगर तुम्हें कोई जॉब नहीं देना चाहता अब तुम्हारे पास में एक ही रास्ता बचा है कि तुम वही करो जो तुम्हें सबसे अच्छे से आता है यानी कि चोरी चकारी अब सुनने के बाद में उसकी बातों एग्री करता है और कहता है कि हाँ यार अब जिंदगी में रहना तो ये करना तो जरूरी है तब लुइस उसे बताता है घर के बारे में जिसके अंदर कुछ ऐसा है जिसको अगर हम चुरा ले तो फिर हमें चोरी की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि बेच कर हम बहुत ही अमीर हो जाएंगे तो अब स्कॉट पर राजी हो जाता है और वो रात को निकल पड़ते चोरी के लिए अब जब स्कॉट उस घर में जाता है तो उसे वहाँ पे कोई अनोखी चीज नहीं दिखती जिसके अच्छे पैसे मिल जाए उसे वहाँ पर बस एक हेलमेट और एक फैंसी ड्रेस कॉम्पिटिशन का सूट दिखाई देता है जिसको वो वहीं पर छोड़ के भाग जाता है लेकिन स्कॉट की किस्मत इतनी खराब थी की उसको पुलिस वापस ऐसी पकड़ लेती है और अब जेल में स्कॉट सलाखे गिन रहा था तब यहाँ पे हैंग आता है और उसे कहता है की डोंट वरी स्कॉट तुम डरो मत ये बस मेरा प्लान था की तुम उस सूट के पास जाओ और उसे पहन के ट्राई करो क्योंकि मैं ये जानना चाहता था कि क्या तुम इस सूट के काबिल हो या नहीं क्योंकि इस सूट में कुछ शक्तियां हैं जो कि मैं तुम्हें बताना चाहता हूं तो अगर तुम इस सूट को पहनोगे तो तुम एक बटन को दबाकर अपने साइज को बड़ा या छोटा बना सकते हो और साथ ही तुम Creatures को कंट्रोल भी कर सकते हो तो अब जिस जेल में स्कॉट होता है तो वहाँ पे हैंक अपनी चोटी चोटी के साथ में सूट को उसके पास मिलता है तो होगा और ये, मिशन ये है कि मेरी बेटी होप ने एक ऐसा सेम सूट बनाया जो की येलो कलर का है लेकिन वो उससे ज्यादा एडवांस है और होप उसे बेचना चाहते है लेकिन मैं ऐसा नहीं होने दूंगा क्योंकि उसने मेरी ही रिसर्च को यूज करके बनाया और अब वो उसे मिसयूज करना चाहती है तो तुम वहाँ पे जाओगे और वो सूट मेरे पास में लेके आओ तो स्कॉट उसकी बात को मान लेता है क्योंकि हैंक ने उसे जेल से बचाया था और अब वो आ जाता है पिम टेक्नोलॉजीज में जहाँ पे येलो सूट को रखा गया था तो वहाँ पे हैंक की बेटी होप उसे देख लेती है तो वो स्कॉट से पूछती है कि तुम यहाँ पे क्या करने हो जिस पे स्कॉट के मुंह से पैनिक हो के सच निकल जाता है तो अब उसकी बेटी कहती है कैसी बात है तो ठीक है मैं तुम्हें सब कुछ सच बताती हूं मुझे बहुत दुख है कि मैंने अपने पिता के साथ में गलत किया और मैंने उन्हें इस कंपनी से इसलिए दूर रखा ताकि ये सूट मैं बना सकूं लेकिन अगर वो सच में ऐसा कोई आदमी खोजना चाहता है जो कि अच्छे से सूट का कंट्रोल कर पाएगा और इसका सही हकदार होगा तो ठीक है मैं तुम्हारा एक टेस्ट लूंगी और साथ ही तुम्हें ट्रेन करूंगा और इसके स्किल्स भी सिखाऊंगी और तब पता चलेगा की तुम इस सूट की सही हकदार हो या नहीं तो अब स्कॉट उसकी बात को मान लरफ शुरू होती है स्कॉट की ट्रेनिंग जहाँ पे वो सीखता है की सूट को कैसे बेस्ट तरीके से यूज कर सकते हैं अब एक दिन हो जाते अपने पिता से मिलने के लिए कहती कि मैं हमेशा यही सोचती रहती थी कि आपके और मेरी माँ के बीच में डिवोर्स हो गया जिसके बाद आप सिर्फ पिम पार्टिकल्स पे काम करते रहते थे लेकिन मुझे ये सब झूठ लगता तो आप आज मुझसे सब कुछ सच सच बताएंगे कि आखिर मेरी माँ कहाँ पे है तो अब हैंक उसे सब कुछ सच बताता है की उसकी वाइफ जिसका नाम था जेनेट वेन्डें तो हैंक ने उसके लिए एक सूट बनाया जिसको उसने वैस्प नाम दिया जिससे की उड़ा भी जा सकता है तो एक दिन हैंक और जेनेट एक मिशन पे थे तो उसने सबकी जान बचाने के लिए खुद का साइज बहुत ही छोटा कर लिया और वो इतनी छोटी हुई कि वो किसी और दुनिया में चलेगी जिसको कहते हैं क्वांटम और अब वो वहां से कभी वापस नहीं आ सकती क्योंकि में ही और आज भी मैं उसे बहुत ही याद करता हूँ अब यहाँ पे इन दोनों की बातों को सुन रहा था तब वो हैंक से कहता है की आपने मुझे इसके बारे में कभी नहीं बताया था उसे सूट दिया ही कहा है और तुम भी इस बात को अपने दिमाग में घुसेड़ के रखो की कभी भी खुद को इतना छोटा मत कर लेना की तुम कभी बड़े ही ना बन पाओ अब हैंक स्कॉट को कहता

जरूर आओगे अब यहाँ पे पूरे भसड़ मच जाता है जहाँ पे एंटमैन हैंक और होप को बचाने की कोशिश कर रहा था और डेरन भी कहीं पे गायब हो जाता और इसी मौके का फायदा उठाने की कोशिश करता है वो पुराने कंपनी का मालिक और वो उस एंटमैन के पिम पार्टिकल लेके भागने लगता है लेकिन उस पिम पार्टिकल पे बॉम्ब लगा था जो की पिम पार्टिकल चोरी होती फट जाता और डेण शाणा वही पे लमलेट हो जाता है लेकिन वही पे स्कॉट इस धमाके से बचा लेता है हैंक और होप को और अब हैंक की आंखों के सामने उसकी कंपनी धूल में मिल चुकी थी वही पे डेरन भी धूल में जाता देखने के लिए सूट को क्योंकि उसने अगर बॉम्ब लगाया

कर लिया था जिससे कि वो क्वांटम रियाल में आ गया था जहाँ पे जाना तो पॉसिबल हो चुका था लेकिन वहाँ से वापस आना मैं कलर के पिन पार्टिकल्स यूज होते हैं लेकिन जब एंटमैन क्वान्टल में आता तो ब्लू कलर के पार्टिकल्स भी नजर आते हैं तो वो क्या करते हैं अपनी बेल्ट में से रेड को ब्लू के साथ रिप्लेस कर देता है जिससे कि वो बड़ा होकर वापस बाहर आ जाता है अब ये देखने के बाद में खुश होता है और कहता है

मूवी की शुरुआत होती है 1989 के फ्लैशबैक से जहाँ एक इंडस्ट्रीमिक्स साइंटिस्ट जिसका नाम था हैंक पिम उसने एक पिम पार्टिकल को डिस्कवर किया था अब पिम पार्टिकल के बारे में आपको थोड़ा ज्ञान दे दू तो वो एक ऐसा पार्टिकल है जिसको यूज करके किसी चीज वो लिविंग हो या नॉन लिविंग उसको बड़ा या छोटा किया जा सकता है अब जब इसके बारे में इंडस्ट्री वालों को पता चला तो उन्हें भी लालच आ गया तो हैंग पिम को ये बात अच्छी नहीं लगी तो वो गुस्से में उस कंपनी को छोड़ देता है और अब हम आ जाते हैं प्रेजेंट टाइम में जहाँ पे हैंग की एक अपनी कंपनी होती है और उसकी एक बेटी भी होती है जिसका नाम होता है होप जो की हैंग से कहती कहते पापा बहुत बूढ़े हो चुके हैं तो आपको घर पे रेस्ट करना चाहिए और मैं और मेरा को जिसका नाम है डेरन हम दोनों इस कंपनी को संभाल सकते हैं अब एक दिन जब हैंग कंपनी में मौजूद नहीं था तो उस दिन उसकी बेटी और डेरन मिलकर एक येलो सूट तैयार करते हैं जिसमें उन्होंने पिम पार्टिकल को यूज किया था और उससे सूट में पावर आ गई थी तो इनका प्लान ये था कि सूट को महंगे प्राइस में बेचकर जल्दी से जल्दी अमीर बनना चाहते थे जो कि बहुत ही गलत बात है अब हम देखते इस मूवी का मेन कैरेक्टर जिसका नाम स्कॉट होता है जो चोर था था जिसके चक्कर में वो वो जेल से सजा वापस आ रहा तो सब तो सबसे पहले घर जाकर अपनी छोटी बेटी से मिलता है और तब हमें पता चलता है की स्कॉट और उसकी वाइफ की पहले डिवोर्स हो चुकी थी और तब उसकी वाइफ ने किसी और से शादी कर ली अब स्कॉट के जेल से निकल जाने के बाद उसे अपनी जिंदगी गुजारने के लिए चाहिए थे पैसे तो अब स्कॉट निकल पड़ता है जॉब की तलाश में लेकिन अब अफसोस उसे कोई जॉब नहीं देता क्योंकि उसका क्रिमिनल रिकॉर्ड जो था जिससे कि वो बहुत ही परेशान हो जाता है और तब वो अपने दोस्त से मिलने के लिए जाता है जिसका नाम था लुइस जो कि स्कॉट को कहता है कि मैं समझ सकता हूँ तुम्हें कोई जॉब नहीं मिल लेकिन स्कॉट इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं अगर तुम्हें कोई जॉब नहीं देना चाहता अब तुम्हारे पास में एक ही रास्ता बचा है की तुम वही करो जो तुम्हें सबसे अच्छे से आता है यानी कि चोरी चकारी अब ये सुनने के बाद में स्कॉट उसकी बातों पे एग्री करता है और कहता है की हाँ यार अब जिंदगी में रहना तो ये करना तो जरूरी है तब लुइस उसे बताता है घर के बारे में जिसके अंदर कुछ है जिसको अगर हम चुरा ले तो फिर हमें चोरी की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि इसे बेच हम बहुत ही अमीर हो जाएंगे तो अब स्कॉट इस पे राजी हो जाता है और वो रात को निकल पड़ते चोरी के लिए अब जब स्कॉट उस घर में जाता है तो उसे वहाँ पे कोई अनोखी चीज नहीं दिखती जिसके अच्छे पैसे मिल जाए उसे वहाँ पर बस एक हेलमेट और एक फैंसी ड्रेस कॉम्पिटिशन का सूट दिखाई देता है जिसको वो वही पे छोड़ के भाग जाता है लेकिन स्कॉट की किस्मत इतनी खराब थी की उसको पुलिस वापस ऐसी पकड़ लेती है और अब जेल में स्कॉट सलाखे गिन रहा था तब यहाँ पे हैंग आता है और उसे कहता है की डोंट वरी स्कॉट तुम डरो मत ये बस मेरा प्लान था कि तुम उस सूट के पास जाओ और उसे पहन के ट्राई करो क्योंकि मैं ये जानना चाहता था कि क्या तुम इस सूट के काबिल हो या नहीं क्यूँकी सूट में कुछ शक्तियां हैं जो कि मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ तो अगर तुम इस सूट को पहनोगे तो तुम एक बटन को दबाकर अपने साइज को बड़ा या छोटा बना सकते हो और साथ ही तुम क्रिएटर को कंट्रोल भी कर सकते हो तो अब जिस जेल में स्कॉट होता है तो वहाँ पे हैंक अपनी छोटी छोटी चीटों के साथ में सूट को उसके पास भिजवा देता है जिसको पहन के स्कॉट छोटा होकर वहाँ से भाग जाता है और आके मिलता है तो हैंक उसे कहता है की तुम एक मेरे मिशन पे जाना होगा और ये मिशन ये है की मेरी बेटी होप ने एक ऐसा सेम सूट बनाया जो की येलो कलर का है लेकिन वो उससे ज्यादा एडवांस है और होप उसे बेचना चाहते लेकिन मैं ऐसा नहीं होने दूंगा क्योंकि बनाया और अब उसे करना चाहती है तो तुम वहाँ पे जाओगे और वो आओगे तो स्कॉट उसकी बात को मान लेता है क्योंकि हैंक ने उसे जेल से बचाया था और अब वो आ जाता है पिम टेक्नोलॉजीज में जहाँ पे येलो सूट को रखा गया था तो वहाँ पे हैंक की बेटी होप उसे देख लेती है तो वो स्कॉट से पूछती कि तुम यहाँ पे क्या करने हो जिसपे स्कॉट के मुझसे पैनिक होकर सच निकल जाता है तो अब उसकी बेटी कहती है की ऐसी बात है तो ठीक है मैं सब कुछ सच बताती हूँ मुझे बहुत दुख है कि मैंने अपने पिता के साथ में गलत किया और मैंने उन्हें इस कंपनी से इसलिए दूर रखा ताकि ये सूट मैं बना सकूं लेकिन अगर वो सच में ऐसा कोई आदमी खोजना चाहता है जो कि अच्छे से सूट का कंट्रोल कर पाएगा और इसका सही हकदार होगा तो ठीक है मैं तुम्हारा एक टेस्ट लूंगी और साथ ही तुम्हें ट्रेन करूंगा और इसके स्किल्स भी सिखाऊंगी और तब पता चलेगा कि की तुम इस सूट के सही हकदार हो या नहीं तो अब स्कॉट उसकी बात को मान ले तरफ शुरू होती है स्कॉट की ट्रेनिंग जहाँ पे वो सीखता है की सूट को कैसे बेस्ट तरीके से यूज कर सकते हैं अब एक दिन होप जाते पिता से मिलने के लिए कहती कि मैं हमेशा यही सोचती रहती थी कि आपके और मेरी माँ के बीच में डिवोर्स हो गया जिसके बाद आप सिर्फ पिम पार्टिकल्स पे काम करते रहते थे लेकिन मुझे ये सब झूठ लगता है तो मुझसे सब कुछ सच सच बताएंगे कि आखिर मेरी माँ कहाँ पे है तो अब है सब कुछ सच बताता है कि उसकी वाइफ जिसका नाम था जेनेट वेंडन तो हैंक ने उसके लिए एक सूट बनाया जिसको उसने वैस्प नाम दिया जिससे की उड़ा भी जा सकता है तो एक दिन हैंक और जेनेट एक मिशन पे थे तो उसने सबकी जान बचाने के लिए खुद का साइज बहुत ही छोटा कर लिया और वो इतनी छोटी हुई कि वो किसी और दुनिया में चलेगी जिसको कहते हैं लेकिन जिसकी वजह से आज भी मैं उसे याद करता हूँ अब यहाँ पे इन दोनों की बातों को भी रहा था तब वो हैंक से कहता है कि आपने मुझे इसके बारे में कभी नहीं बताया था कहता है कि मैंने तुम्हें ही कहा तुम भी इस बात को अपने दिमाग में घुसेड़ के रखो कि कभी भी खुद को इतना छोटा मत कर लेना कि तुम कभी बड़े ही ना बन पाओ अब हैंक स्कॉट को कहता

जरूर आओगे अब यहाँ पे पूरे भसड़ मच जाता है जहाँ पे एंटमैन हैंक और होप को बचाने की कोशिश कर रहा था और डेरन भी कहीं पे गायब हो जाता है और इसी मौके का फायदा उठाने की कोशिश करता है वो पुराने कंपनी का मालिक और वो उस एंटमैन के पिम पार्टिकल लेके भागने लगता है लेकिन उस पिम पार्टिकल पे बॉम्ब लगा था जो की पिम पार्टिकल चोरी होती फट जाता और डेर शाड़ा वही पे लमलेट हो जाता है लेकिन वही पे स्कॉट इस धमाके से बचा लेता है हैंक और होप को और अब हैंक की आंखों के सामने उसकी कंपनी धूल में मिल चुकी थी वही पे डेरन भी धूल में जाता देखने के लिए सूट को क्योंकि उसने अगर बॉम्ब लगाया

तुमने का ऐसा किया क्योंकि ये देख के, अच्छा तो के, के चांसेस बढ़ गए थे अब वो स्कॉट को बहुत ही अच्छा भला कहता है जिसके बाद अब हैंक होप को लेकर रूम में जाता है जहाँ पे वो उसे एक न्यू सूट दिखाते हैं जो की वैस्प का था और वो उसे कहते है कि ये मेरी नई इन्वेंशन है जो की तुम्हारे लिए और इसी के साथ ये मूवी यहाँ पे खत्म हो जाती है मूवी की शुरुआत होती है नाइनटीन एटी नाइन के फ्लैश बैक से जहाँ एक इंडस्ट्री में एक पिम पार्टिकल को डिस्कवर किया था। अब पिम पार्टिकल के बारे में आपको थोड़ा ज्ञान दे दू, तो एक ऐसा पार्टिकल है जिसको यूज करके किसी चीज वो लिविंग हो या नॉन लिविंग उसको बड़ा या छोटा किया जा सकता है अब जब इसके बारे में इंडस्ट्री वालों को पता चला तो उन्हें भी लालच आ गया तो हैंक पिम को ये बात अच्छी नहीं लगी तो वो गुस्से में उस कंपनी को छोड़ देता है और अब हम आ जाते हैं प्रेजेंट टाइम में जहाँ पे हैंक की अपनी कंपनी होती है और उसकी एक बेटी भी होती है जिसका नाम होता है होप जो ंग से कहते कि पापा आप बहुत बूढ़े हो चुके हैं तो आपको घर पे रेस्ट करना चाहिए और मैं और मेरा कोवा को जिसका नाम है डेरन हम दोनों इस कंपनी को संभाल सकते हैं अब एक दिन जब हैंग कंपनी में मौजूद नहीं था तो उस दिन उसकी बेटी और डेरन मिलकर एक येलो सूट तैयार करते हैं जिसमे उन्होंने पिम पार्टिकल को यूज किया था और उससे सूट में पावर आ गई थी तो इनका प्लान ये था की सूट को महंगे प्राइस में बेच जल्दी से जल्दी अमीर बनना चाहते थे जो की बहुत ही गलत बात है अब हम देखते इस मूवी का मेन कैरेक्टर जिसका नाम स्कॉट होता है जो की एक चोर था जिसके चक्कर में वो जेल से सजा काट कर वापस आ रहा था तो सबसे पहले तो वो घर जाकर अपनी छोटी बेटी से मिलता है और तब हमें पता चलता है की स्कॉट और उसकी वाइफ की पहले डिवोर्स हो चुकी थी और तब उसकी वाइफ ने किसी और ऐसी शादी कर ली अब स्कॉट के जेल से निकल जाने के बाद उसे अपनी जिंदगी गुजारने के लिए चाहिए थे पैसे तो अब स्कॉट निकल पड़ता है जॉब की तलाश में लेकिन अफसोस उसे कोई जॉब नहीं देता क्योंकि उसका क्रिमिनल रिकॉर्ड जो था जिससे कि वो बहुत ही परेशान हो जाता है और तब वो अपने दोस्त से मिलने के लिए जाता है जिसका नाम था लुइस जो कि स्कॉट को कहता है कि मैं समझ सकता हूँ प्यारे की तुम्हें कोई जॉब नहीं मिल रहा लेकिन स्कॉट इसमें तुम्हारी कोई कोई गलती नहीं अगर तुम्हें कोई जॉब नहीं देना चाहता अब तुम्हारे पास में एक ही रास्ता बचा है कि तुम वही करो जो तुम्हें सबसे अच्छे से आता है यानी कि चोरी चकारी अब सुनने के बाद में उसकी बातों करता है और कहता है कि हाँ यार अब जिंदगी में रहना तो ये करना तो जरूरी है तब है उसे बताता घर के बारे में जिसके अंदर कुछ ऐसा है जिसको अगर हम चुरा ले तो फिर हमें चोरी की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि इसे बेचकर हम बहुत ही अमीर हो जाएंगे तो स्कॉट उस पर राजी हो जाता है और वो रात को निकल पड़ते चोरी के लिए अब जब स्कॉट उस घर में जाता है तो उसे वहां पे कोई अनोखी चीज नहीं दिखती जिसके अच्छे पैसे मिल जाए उसे वहाँ पर बस एक हेलमेट और एक फैंसी ड्रेस कॉम्पिटिशन का सूट दिखाई देता है जिसको वो वही पे छोड़ के भाग जाता है लेकिन स्कॉट की किस्मत इतनी खराब थी की उसको पुलिस वापस ऐसी पकड़ लेती है और अब जेल में स्कॉट सलाखे गिन रहा था तब यहाँ पे हैंग आता और उसे कहता है की डोंट वरी स्कॉट तुम डरो मत ये बस मेरा प्लान था की तुम उस सूट के पास जाओ और उसे पहन के ट्राई करो क्यूँकी मैं ये जानना चाहता था की क्या तुम इस सूट के काबिल हो या नहीं क्यूँकी सूट में कुछ शक्तियां हैं जो कि मैं तुम्हें बताना चाहता हूं तो अगर तुम इस सूट को पहनोगे तो तुम एक बटन को दबाकर अपने साइज को बड़ा या छोटा बना सकते हो और साथ ही तुम को कंट्रोल भी कर सकते हो तो अब जिस जेल में स्कॉट होता है तो वहाँ पे हैंक अपनी छोटी छोटी चीटियों के साथ में में सूट को उसके पास भिजवा देता है जिसको पहन के छोटा होकर वहाँ से भाग जाता है और आके मिलता है हैंक से तो हैंक उससे कहता है कि तुम एक मेरे मिशन पे जाना होगा और ये मिशन ये है कि मेरी बेटी होप ने एक ऐसा सेम सूट बनाया जो कि येलो कलर का है लेकिन वो उससे ज्यादा एडवांस है और होप उसे बेचना चाहते हैं लेकिन मैं ऐसा नहीं होने दूंगा क्योंकि उसने मेरी ही रिसर्च को यूज करके उसे बनाया और अब वो उसे मिस करना चाहती है तो तुम वहाँ पे जाओगे और वो सूट मेरे पास में लेके आओगे तो स्कॉट उसकी बात को मान लेता है क्योंकि हैंक ने उसे जेल से बचाया था और अब वो आ जाता है पिम टेक्नोलॉजीज में जहाँ पे येलो सूट को रखा गया था तो वहाँ पे हैंक की बेटी होप उसे देख लेती है तो वो स्कॉट से पूछती है कि तुम यहाँ पे क्या करने हो जिस पे स्कॉट के मुंह से पैनिक हो के सच निकल जाता है तो अब उसकी बेटी कहती है कैसी बात है तो ठीक है मैं तुम्हें सब कुछ सच बताती हूं मुझे बहुत दुख है कि मैंने अपने पिता के साथ में गलत किया और मैंने उन्हें इस कंपनी से इसलिए दूर रखा ताकि ये सूट मैं बना सकूं लेकिन अगर वो सच में ऐसा कोई आदमी खोजना चाहता है जो कि अच्छे से सूट का कंट्रोल कर पाएगा और इसका सही हकदार होगा तो ठीक है मैं तुम्हारा एक टेस्ट लूंगी और साथ ही तुम्हें ट्रेन करूंगा और इसके स्किल्स भी सिखाऊंगी और तब पता चलेगा की तुम इस सूट की सही हकदार हो या नहीं तो अब स्कॉट उसकी बात को मान ले तरफ शुरू होती है स्कॉट की ट्रेनिंग जहाँ पे वो सीखता है की सूट को कैसे बेस्ट तरीके से यूज कर सकते हैं अब एक दिन होप जाते अपने पिता से मिलने के लिए कहती कि मैं हमेशा यही सोचती रहती थी कि आपके और मेरी माँ के बीच में डिवोर्स हो गया जिसके बाद आप सिर्फ पिम पार्टिकल्स पे काम करते रहते थे लेकिन मुझे ये सब झूठ लगता तो आप आज मुझसे सब कुछ सच सच बताएंगे कि आखिर मेरी माँ कहाँ पे है तो अब हैंक उसे सब कुछ सच बताता है कि उसकी वाइफ जिसका नाम था जेनेट वेंडन तो हैंक ने उसके लिए सूट बनाया जिसको उसने वैस्प नाम दिया जिससे कि उड़ा भी जा सकता है तो एक दिन हैंक और जेनेट एक मिशन पे थे तो उसने सबकी जान बचाने के लिए खुद का साइज बहुत ही छोटा कर लिया और वो इतनी छोटी हुई

स्कॉट अब वो टाइम आ गया जब मैं तुम्हें तुम्हारे पहले मिशन पे भेज रहा हूँ क्योंकि तुमने सीख लिया के सूट को करना वो उसे कि जिस इंडस्ट्री को मैंने सालों पहले छोड़ दिया था को कि नो फियर चाचा को और वो निकल पड़ता है पिम के उसने के सूट को पहना था। और अब यहाँ पे होप की को का डेरिन ने उसे धोखा देकर कंपनी को हथियार लिया और साथ में मिल गया जिसको ठुकरा दिया था अब यहाँ पे स्कॉट उस खुफिया डिवाइस को आराम से चोरी कर लेता

जरूर आओगे अब यहाँ पे पूरे भसड़ मच जाता है जहाँ पे एंटमैन हैंक और होप को बचाने की कोशिश कर रहा था और डेरन भी कहीं पे गायब हो जाता मौके का फायदा उठाने की कोशिश करता है वो पुरानी कंपनी का मालिक और वो उस एंटमैन के पिम पार्टिकल लेके भागने लगता है लेकिन उस पिम पार्टिकल पे बॉम्ब लगा था जो की पिम पार्टिकल चोरी होते ही फट जाता है और डेण शाड़ा वही पे लमलेट हो जाता है लेकिन वही पे स्कॉट इस धमाके से बचा लेता है हैंक और होप को और अब हैंक की आंखों के सामने उसकी कंपनी धूल में मिल चुकी थी वहीं पे डेरन भी धूल में जाता देखने के लिए सूट को क्योंकि उसने अगर बॉम्ब लगाया

छोटा कर लिया था जिससे कि वो क्वांटम रियाल में आ गया था जहाँ पे जाना तो पॉसिबल हो चुका था लेकिन वहाँ से मैं पिन पार्टिकल्स यूज होते हैं लेकिन जब एंटमैन इस क्वांटम रियाल में आता है तो उससे वहाँ पे ब्लू कलर के पार्टिकल्स भी नजर आते हैं तो वो क्या करता है अपनी बेल्ट में से रेड को ब्लू के साथ रिप्लेस कर देता है जिससे कि वो बड़ा होकर वापस बाहर आ जाता है अब ये देखने के बाद में ही खुश होता है और कहता है कि तुमने आखिर ऐसा किया किसे क्योंकि ये देख के मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है क्योंकि अब तुम जब से बाहर आ सकते हो तो अब अब उसके वाइफ के के भी वापस आने चांसेस बढ़ गए थे अब वो स्कॉट को बहुत ही अच्छा भला कहता है जिसके बाद अब हैंक होप को लेकर रूम में जाता है जहाँ पे वो उसे एक न्यू सूट दिखाते हैं जो की वैश्व का था और वो उसे कहते है कि ये मेरी नई इन्वेंशन है जो की तुम्हारे लिए और इसी के साथ ये मूवी यहाँ पे खत्म हो जाती है मूवी की शुरुआत होती है 1989 के फ्लैशबैक से जहाँ एक इंडस्ट्री एक साइंटिस्ट जिसका नाम था हैंग पिम उसने एक पिम पार्टिकल को डिस्कवर किया था अब पिम पार्टिकल के बारे में आपको थोड़ा ज्ञान दे दू तो वे एक ऐसा पार्टिकल है जिसको यूज करके किसी चीज वो लिविंग हो या नॉन लिविंग उसको बड़ा या छोटा किया जा सकता है अब जब इसके बारे में इंडस्ट्री वालों को पता चला तो उन्हें भी लालच आ गया तो हैंग पिम को ये बात अच्छी नहीं लगी तो वो गुस्से में उस कंपनी को छोड़ देता है और अब हम आ जाते हैं प्रेजेंट टाइम में जहाँ पे हैंग की एक अपनी कंपनी होती है और उसकी एक बेटी भी होती है जिसका नाम होता है होप जो की हैंग से कहती है की पापा बहुत बूढ़े हो चुके हैं तो आपको घर पे रेस्ट करना चाहिए और मैं और मेरा को जिसका नाम है डेरन हम दोनों इस कंपनी को संभाल सकते हैं अब एक दिन जब हैंग कंपनी में मौजूद नहीं था तो उस दिन उसकी बेटी और डेरन मिलकर एक येलो सूट तैयार करते हैं जिसमें उन्होंने पिम पार्टिकल को यूज किया था और उससे सूट पावर आ गई थी तो इनका प्लान ये था कि सूट को महंगे प्राइस में बेच जल्दी से जल्दी अमीर बनना चाहते थे जो की बहुत ही गलत बात है अब हम देखते इस मूवी का मेन कैरेक्टर जिसका नाम स्कॉट होता है जो की चोर था था जिसके चक्कर में वो वो जेल से सजा वापस आ रहा तो तो सबसे पहले तो वो घर जाकर अपनी छोटी बेटी से मिलता है और तब हमें पता चलता है कि स्कॉट और उसकी वाइफ की पहले डिवोर्स हो चुकी थी और तब उसकी वाइफ ने किसी और से शादी कर ली अब स्कॉट के जेल से निकल जाने के बाद उसे अपनी जिंदगी गुजारने के लिए चाहिए थे पैसे तो अब स्कॉट निकल पड़ता है जॉब की तलाश में लेकिन अब सोस उसे कोई जॉब नहीं देता क्योंकि उसका क्रिमिनल रिकॉर्ड जो था जिससे कि वो बहुत ही परेशान हो जाता है और तब वो अपने दोस्त से मिलने के लिए जाता है जिसका नाम था लुइस जो कि स्कॉट को कहता है कि मैं समझ सकता हूँ प्यार की कोई जॉब नहीं मिल लेकिन स्कॉट इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं अगर तुम्हें कोई जॉब नहीं देना चाहता अब तुम्हारे पास में एक ही रास्ता बचा है की तुम वही करो जो तुम्हे सबसे अच्छे से आता है यानी कि चोरी चकारी अब ये सुनने के बाद में स्कॉट उसकी बातों पर एग्री करता है और कहता है की हाँ यार अब जिंदगी में रहना तो ये करना तो जरूरी है तब लुइस उसे बताता है घर के बारे में जिसके अंदर कुछ ऐसे है जिसको अगर हम चुरा ले तो फिर हमें चोरी की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि बेच कर हम बहुत ही अमीर हो जाएंगे तो अब स्कॉट इस पे राजी हो जाता है और वो रात को निकल चोरी के लिए अब जब स्कॉट उस घर में जाता है तो उसे पे कोई अनोखी चीज नहीं दिखती जिसके अच्छे पैसे मिल जाए उसे पर बस एक एक हेलमेट और फैंसी का सूट दिखाई देता है जिसको वो वही पे छोड़ के भाग जाता है लेकिन स्कॉट की किस्मत इतनी खराब थी की उसको पुलिस वापस ऐसी पकड़ लेती है और अब जेल में स्कॉट सलाखे गिन रहा था तब यहाँ पे हैंग आता है और उसे कहता है की डोंट वरी स्कॉट तुम डरो मत ये बस मेरा प्लान था कि तुम उस सूट पास जाओ और उसे पहन के ट्राई करो क्योंकि मैं ये जानना चाहता था कि क्या तुम इस सूट के काबिल हो या नहीं क्योंकि इस सूट में कुछ शक्तियां हैं जो कि मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ तो अगर तुम तो एक बटन को दबाकर तो तो छोटी छोटी चीजों के साथ भिजवा देता है जिसको पहन के स्कॉट छोटा होकर वहाँ से भाग जाता है और आके मिलता है तो हैंक उसे कहता है कि तुम एक मेरे पे जाना होगा और ये मिशन ये है कि मेरी बेटी होप ने एक सेम सूट बनाया जो कि येलो कलर का है लेकिन वो उससे ज्यादा एडवांस है और होप उसे बेचना चाहते लेकिन मैं ऐसा नहीं होने दूंगा क्योंकि उसने मेरी ही रिसर्च को यूज करके उसे उसे बनाया और अब वो करना चाहती है तो तुम वहां पे जाओगे और वो सूट मेरे पास में लेके आओगे तो स्कॉट उसकी बात को मान लेता है हैंक ने उसे जेल से बचाया था और अब वो आ जाता है पिम टेक्नोजीज में जहाँ पे येलो सूट को रखा गया था तो वहाँ पे हैंक की बेटी होप उसे देख लेती है तो वो स्कॉट से पूछती है की तुम यहाँ पे क्या करने हो जिस पे स्कॉट के मुंह से पैनिक होकर सच निकल जाता है तो अब उसकी बेटी कहती है की ऐसी बात है तो ठीक है मैं सब कुछ सच बताती हूँ मुझे बहुत दुख है कि मैंने अपने पिता के साथ में गलत किया और मैंने उन्हें इस कंपनी से इसलिए दूर रखा ताकि ये सूट मैं बना सकूं। लेकिन अगर वो सच में ऐसा कोई आदमी खोजना चाहता है जो कि अच्छे से सूट का कंट्रोल कर पाएगा और इसका सही हकदार होगा तो ठीक है मैं तुम्हारा एक टेस्ट लूंगी और साथ ही तुम्हें ट्रेन करूंगा और इसके स्किल्स भी सिखाऊंगी और तब पता चलेगा की तुम इस सूट की सही हकदार हो या नहीं तो अब स्कॉट उसकी बात को मान ले तरफ शुरू होती है स्कॉट की ट्रेनिंग जहाँ पे वो सीखता है की सूट को कैसे बेस्ट तरीके से यूज कर सकते हैं अब एक दिन होप जाते अपने पिता से मिलने के लिए कहती कि मैं हमेशा यही सोचती रहती थी कि आपके और मेरी माँ के बीच में डिवोर्स हो गया जिसके बाद आप आप सिर्फ पिम पार्टिकल्स पे काम करते रहते थे लेकिन मुझे ये सब सब झूठ लगता तो आज मुझसे कुछ सच सच बताएंगे कि आखिर मेरी माँ कहाँ पे है तो अब हैंक उसे सब कुछ सच बताता है कि उसकी वाइफ जिसका नाम था जेनेट वेंडेन तो हैंक ने उसके लिए एक सूट बनाया जिसको उसने वैस्प नाम दिया जिससे कि उड़ा भी जा सकता है तो एक दिन और जेनेट एक मिशन पे थे तो उसने सबकी जान बचाने के लिए खुद का साइज बहुत ही छोटा कर लिया और वो इतनी छोटी हुई

जरूर आओगे अब यहाँ पे पूरे भसड़ मच जाता है जहाँ पे एंटमैन हैंक और होप को बचाने की कोशिश कर रहा था और डेरन भी कहीं पे गायब हो जाता और इसी मौके का फायदा उठाने की कोशिश करता है वो पुराने कंपनी का मालिक और वो उस एंटमैन के पिम पार्टिकल लेके भागने लगता है लेकिन उस पिम पार्टिकल पे बॉम्ब लगा था जो की पिम पार्टिकल चोरी होते ही फट जाता और डेण शाणा वही पे लमलेट हो जाता है लेकिन वही पे स्कॉट इस धमाके से बचा लेता है हैंक और होप को और अब हैंक की आंखों के सामने उसकी कंपनी धूल में मिल चुकी थी वहीं पे डेरन भी धूल में जाता देखने के लिए सूट को क्योंकि उसने अगर बॉम्ब लगाया

कर लिया था जिससे कि वो क्वांटम रियाल में आ गया था जहाँ पे जाना तो पॉसिबल हो चुका था लेकिन मैं कलर के पिन यूज होते हैं। लेकिन जब एंटमैन क्वांटम रियाल में आता है तो उससे वहाँ पे ब्लू कलर के पार्टिकल्स भी नजर आते हैं तो वो क्या करते हैं अपनी बेल्ट में से रेड को ब्लू के साथ रिप्लेस कर देता है जिससे कि वो बड़ा होकर वापस बाहर आ जाता है अब ये देखने के बाद में खुश होता है और कहता है तुमने आखिरकार ऐसा किया किसे क्योंकि ये देख के मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है क्योंकि अब तुम जब क्वांटम कॉन्टरमिनल से बाहर आ सकते हो तो अब उसके वाइफ के भी वापस आने के चांसेस बढ़ गए थे अब वो स्कॉट को बहुत ही अच्छा भला कहता है जिसके बाद अब हैंक होप को लेकर रूम में जाता है जहाँ पे वो उसे एक न्यू सूट दिखाते हैं जो की वैश्व का था और वो उसे कहते है कि ये मेरी नई इन्वेंशन है जो कि तुम्हारे लिए और इसी के साथ ये मूवी यहाँ पे खत्म हो जाती है

कहती है कि पापा आप बहुत बूढ़े हो चुके हैं तो आपको घर पे रेस्ट करना चाहिए और मैं और मेरा को जिसका नाम है डेरन हम दोनों इस कंपनी को संभाल सकते हैं अब एक दिन जब हैंग कंपनी में मौजूद नहीं था तो उस दिन उसकी बेटी और डेरन मिलकर एक येलो सूट तैयार करते हैं जिसमे उन्होंने पिम पार्टिकल को यूज किया था और उससे सूट में पावर आ गई थी तो इनका प्लान ये था की सूट को महंगे प्राइस में बेच जल्दी से जल्दी अमीर बनना चाहते थे जो की बहुत ही गलत बात है अब हम देखते इस मूवी का मेन कैरेक्टर जिसका नाम स्कॉट होता है जो की चोर था जिसके चक्कर में वो जेल से सजा काट कर वापस आ रहा था तो सबसे पहले तो वो घर जाकर अपनी छोटी बेटी से मिलता है और तब हमें पता चलता है कि स्कॉट और उसकी वाइफ की पहले डिवोर्स हो चुकी थी और तब उसकी वाइफ ने किसी और से शादी कर ली अब स्कॉट स्कॉट के 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 जेल से निकल निकल जाने के बाद उसे अपनी जिंदगी गुजारने लिए चाहिए थे पैसे तो अब पड़ता है जॉब की तलाश में लेकिन अफसोस उसे कोई जॉब नहीं देता क्यूकी उसका क्रिमिनल रिकॉर्ड जो था जिससे की वो बहुत ही परेशान हो जाता है और तब वो अपने दोस्त से मिलने के लिए जाता है जिसका नाम था लुइस जो की स्कॉट को कहता है की मैं समझ सकता हूँ प्यारे की तुम्हें कोई जॉब नहीं मिल रहा लेकिन स्कॉट इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं अगर तुम्हें कोई जॉब नहीं देना चाहता अब तुम्हारे पास में एक ही रास्ता बचा है कि तुम वही करो जो तुम्हें सबसे अच्छे से आता है यानी कि चोरी चकारी अब सुनने के बाद में उसकी बातों एग्री करता है और कहता है कि हाँ यार अब जिंदगी में रहना तो ये करना तो करना जरूरी है तब है उसे बताता घर के बारे में जिसके अंदर कुछ ऐसा है जिसको अगर हम चुरा ले तो फिर हमें चोरी की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि इसे बेचकर हम बहुत ही अमीर हो जाएंगे तो स्कॉट इस पर राजी हो जाता है और वो रात को निकल पड़ते चोरी के लिए अब जब स्कॉट उस घर में जाता है तो उसे वहाँ पे कोई अनोखी चीज नहीं दिखती जिसके अच्छे पैसे मिल जाए उसे वहाँ पर बस एक हेलमेट और एक फैंसी ड्रेस कॉम्पिटिशन का सूट दिखाई देता है जिसको वो वही छोड़ के भाग जाता है लेकिन स्कॉट की किस्मत इतनी खराब थी उसको पुलिस वापस ऐसी पकड़ लेती है और अब जेल में स्कॉट गिन रहा था तब पे हैंग आता और उसे कहता है डोंट वरी स्कॉट तुम डरो मत ये बस मेरा प्लान था की तुम उस सूट के पास जाओ उसे पहन के ट्राई करो क्योंकि मैं ये जानना चाहता था कि क्या तुम इस सूट के काबिल हो या नहीं क्यूँकी सूट में कुछ शक्तियां हैं जो कि मैं तुम्हें बताना चाहता हूं तो अगर तुम इस सूट को पहनोगे तो तुम एक बटन को दबाकर अपने साइज को बड़ा या छोटा बना सकते हो और साथ ही तुम क्रिएचर्स को कंट्रोल भी कर सकते हो तो अब जिस जेल में स्कॉट होता है तो वहाँ पे हैंक अपनी छोटी छोटी चीटों के साथ में सूट को उसके पास भेजवा देता है जिसको पहन के स्कॉट छोटा होकर वहाँ से भाग जाता है और आके मिलता है हैंक से तो हैंक उससे कहता है कि तुम एक मेरे मिशन पे जाना होगा और ये मिशन ये है कि मेरी बेटी होप ने एक ऐसा सेम सूट बनाया जो कि येलो कलर का है लेकिन वो उससे ज्यादा एडवांस है और होप उसे बेचना चाहते हैं लेकिन मैं ऐसा नहीं होने दूंगा क्योंकि उसने मेरी ही रिसर्च को यूज करके उसे बनाया और अब वो उसे मिसयूज करना चाहती है तो तुम वहां पे जाओगे और वो सूट मेरे पास में लेके आओगे तो स्कॉट उसकी बात को मान लेता है क्योंकि हैंक ने उसे जेल से बचाया था और अब वो आ जाता है पिम टेक्नोलॉजीज में जहाँ पे येलो सूट को रखा गया था तो वहाँ पे हैंक की बेटी होप उसे देख लेती है तो वो स्कॉट से पूछती है की तुम यहाँ पे क्या करने जिस हो पे स्कॉट के मुँह से पैनिक होकर सच निकल जाता है तो अब उसकी बेटी कहती है ऐसी बात है तो ठीक है मैं तुम्हें कुछ सच बताती हूँ मुझे बहुत दुख है कि मैंने अपने पिता के साथ में गलत किया और मैंने उन्हें इस कंपनी से इसलिए दूर रखा ताकि ये सूट मैं बना सकूं लेकिन अगर वो सच में ऐसा कोई आदमी खोजना चाहता है जो कि अच्छे से सूट का कंट्रोल कर पाएगा और इसका सही हकदार होगा तो ठीक है मैं तुम्हारा एक टेस्ट लूंगी और साथ ही तुम्हें ट्रेन करूंगा और इसके स्किल्स भी सिखाऊंगी और तब पता चलेगा की तुम इस सूट की सही हकदार हो या नहीं तो अब स्कॉट उसकी बात को मान ले तरफ शुरू होती है स्कॉट की ट्रेनिंग जहाँ पे वो सीखता है की सूट को कैसे बेस्ट तरीके से यूज कर सकते हैं अब एक दिन होप जाते अपने पिता से मिलने के लिए कहती कि मैं हमेशा यही सोचती रहती थी कि आपके और मेरी माँ के बीच में डिवोर्स हो गया जिसके बाद आप सिर्फ पिम कहाँ पे सब कुछ सच बताता है कि उसकी वाइफ जिसका नाम था जेनेट वेंडेन तो हैंक ने उसके लिए एक सूट बनाया जिसको उसने वैस नाम दिया जिससे की उड़ा भी जा सकता है तो एक दिन और जेनेट एक मिशन पे थे तो उसने सबकी जान बचाने के लिए खुद का साइज बहुत ही छोटा कर लिया और वो इतनी छोटी हुई

जरूर आओगे अब यहाँ पे पूरे भसड़ मच जाता है जहाँ पे एंटमैन हैंक और होप को बचाने की कोशिश कर रहा था और डेरन भी कहीं पे गायब हो जाता और इसी मौके का फायदा उठाने की कोशिश करता है वो पुराने कंपनी का मालिक और वो उस एंटमैन के पिम पार्टिकल लेके भागने लगता है लेकिन उस पिम पार्टिकल पे बॉम्ब लगा था जो की पिम पार्टिकल चोरी होती फट जाता और डेण शाणा वही पे लमलेट हो जाता है लेकिन वही पे स्कॉट इस धमाके से बचा लेता है हैंक और होप को और अब हैंक की आंखों के सामने उसकी कंपनी धूल में मिल चुकी थी वहीं पे डेरन भी धूल में जाता देखने के लिए सूट को क्योंकि उसने अगर बॉम्ब लगाया

कर लिया था जिससे कि वो क्वांटम रियाल में आ गया था जहाँ पे जाना तो पॉसिबल हो चुका था लेकिन थी। अब मैं कलर के पिन यूज होते हैं लेकिन जब एंटमैन क्वान्टियल में आता है तो उससे वहाँ पे ब्लू कलर के पार्टिकल्स भी नजर आते हैं तो वो क्या करते हैं अपनी बेल्ट में से रेड को ब्लू के साथ रिप्लेस कर देता है जिससे की वो बड़ा होकर वापस बाहर आ जाता है अब ये देखने के बाद में खुश होता है और कहता है कि तुमने आखिरकार ऐसा किया किसे क्योंकि ये देख के मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है क्योंकि अब तुम जब से बाहर आ सकते हो तो अब उसके वाइफ के भी वापस आने के चांसेस बढ़ गए थे अब वो स्कॉट को बहुत ही अच्छा भला कहता है जिसके बाद अब हैंक होप को लेकर रूम में जाता है जहाँ पे वो उसे एक न्यू सूट दिखाते हैं जो की वैश्व का था और वो उसे कहते है कि ये मेरी नई इन्वेंशन है जो की तुम्हारे लिए और इसी के साथ ये मूवी यहाँ पे खत्म हो जाती है मूवी की शुरुआत होती है 1989 के फ्लैशबैक से जहाँ एक इंडस्ट्री मिक्स साइंटिस्ट जिसका नाम था हेंग पिम उसने एक पिम पार्टिकल को डिस्कवर किया था अब पिम पार्टिकल के बारे में आपको थोड़ा ज्ञान दे दू तो वे एक ऐसा पार्टिकल है जिसको यूज करके किसी चीज वो लिविंग हो या नॉन लिविंग उसको बड़ा या छोटा किया जा सकता है अब जब इसके बारे में इंडस्ट्री वालों को पता चला तो उन्हें भी लालच आ गया तो हैंग पिम को ये बात अच्छी नहीं लगी तो वो गुस्से में उस कंपनी को छोड़ देता है और अब हम आ जाते हैं प्रेजेंट टाइम में जहाँ पे हैंग की एक अपनी कंपनी होती है और उसकी एक बेटी भी होती है जिसका नाम होता है होप जो की हैंग से कहती है पापा बहुत बूढ़े हो चुके हैं तो आपको घर पे रेस्ट करना चाहिए और मैं और मेरा को वक जिसका नाम है डेरन हम दोनों इस कंपनी को संभाल सकते हैं अब एक दिन जब हैंग कंपनी में मौजूद नहीं था तो उस दिन उसकी बेटी और डेरन मिलकर एक येलो सूट तैयार करते हैं जिसमें उन्होंने पिम पार्टिकल को यूज किया था और उससे सूट पावर आ गई थी तो इनका प्लान ये था कि सूट को महंगे प्राइस में बेचकर जल्दी से जल्दी अमीर बनना चाहते थे जो कि बहुत ही गलत बात है अब हम देखते हैं इस मूवी का मेन कैरेक्टर जिसका नाम स्कॉट होता है जो कि एक चोर था था जिसके चक्कर में वो वो जेल से सजा वापस आ रहा तो सब तो सबसे पहले घर जाकर अपनी छोटी बेटी से मिलता है और तब हमें पता चलता है की स्कॉट और उसकी वाइफ की पहले डिवोर्स हो चुकी थी और तब उसकी वाइफ ने किसी और से शादी कर ली अब स्कॉट के जेल से निकल जाने के बाद उसे अपनी जिंदगी गुजारने के लिए चाहिए थे पैसे तो अब स्कॉट निकल पड़ता है जॉब की तलाश में लेकिन उसे कोई जॉब नहीं देता क्योंकि उसका क्रिमिनल रिकॉर्ड जो था जिससे कि वो बहुत ही परेशान हो जाता है और तब वो अपने दोस्त से मिलने के लिए जाता है जिसका नाम था लुइस जो कि स्कॉट को कहता है कि मैं समझ सकता हूँ तुम्हें कोई जॉब नहीं मिल रहा लेकिन स्कॉट इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं अगर तुम्हें कोई जॉब नहीं देना चाहता अब तुम्हारे पास में एक ही रास्ता बचा है कि तुम वही करो जो तुम्हें सबसे अच्छे से आता है यानी कि चोरी चकारी अब ये सुनने के बाद में स्कॉट उसकी बातों पर एग्री करता है और कहता है कि हाँ यार अब जिंदगी में रहना तो ये करना तो जरूरी है तब लुइस उसे बताता है घर के बारे में जिसके अंदर कुछ है जिसको अगर हम चुरा ले तो फिर हमें चोरी की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि बेच कर हम बहुत ही अमीर हो जाएंगे तो स्कॉट इस पे राजी हो जाता है और वो रात को निकल पड़ते चोरी के लिए अब जब स्कॉट उस घर में जाता है तो उसे वहाँ पे कोई अनोखी चीज नहीं दिखती जिसके अच्छे पैसे मिल जाए उसे पर बस एक हेलमेट और एक फैंसी ड्रेस कॉम्पिटिशन का सूट दिखाई देता है जिसको वो वही पे छोड़ के भाग जाता है लेकिन स्कॉट की किस्मत इतनी खराब थी की उसको पुलिस वापस ऐसी पकड़ लेती है और अब जेल में स्कॉट सलाके गिन रहा था तब यहाँ पे हैंग आता है और उसे कहता है की डोंट वरी स्कॉट तुम डरो मत ये बस मेरा प्लान था कि तुम उस सूट के पास जाओ और उसे पहन के ट्राई करो क्योंकि मैं ये जानना चाहता था कि क्या तुम इस सूट के काबिल हो या नहीं क्योंकि इस सूट में कुछ शक्तियां हैं जो कि मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ तो अगर तुम इस सूट को पहनोगे तो तुम एक बटन को दबाकर अपने साइज को को बड़ा या छोटा बना सकते सकते हो हो और साथ ही तुम कंट्रोल भी कर सकते हो। तो अब जिस जेल में होता है तो वहाँ पे हैंक अपनी छोटी छोटी चीजों के साथ में सूट को उसके पास भिजवा देता है जिसको पहन के स्कॉट छोटा होकर वहाँ से भाग जाता है और आके मिलता है तो हैंक उसे कहता है की तुम एक मेरे मिशन पे जाना होगा और ये मिशन ये है की मेरी बेटी होप ने एक ऐसा सेम सूट बनाया जो कि येलो कलर का है लेकिन वो उससे ज्यादा एडवांस है और होप उसे बेचना चाहते लेकिन मैं ऐसा नहीं होने दूंगा क्योंकि उसने मेरी ही रिसर्च को यूज करके उसे बनाया और अब उसे करना चाहती है तो तुम वहाँ पे जाओगे और वो आओगे तो स्कॉट उसकी बात को मान लेता है हैंक ने उसे जेल से बचाया था और अब वो आ जाता है पिम टेक्नोलॉजी में जहाँ पे येलो सूट को रखा गया था तो वहाँ पे हैंक की बेटी होप उसे देख लेती है तो वो स्कॉट से पूछती की तुम यहाँ पे क्या करने हो जिसप स्कॉट के मुँह से पैनिक होकर सच निकल जाता है तो अब उसकी बेटी कहती है की ऐसी बात है तो ठीक है मैं सब कुछ सच बताती मुझे बहुत दुख है कि मैंने अपने पिता के साथ में गलत किया और मैंने उन्हें इस कंपनी से इसलिए दूर रखा ताकि ये सूट मैं बना सकूं। लेकिन अगर वो सच में ऐसा कोई आदमी खोजना चाहता है जो कि अच्छे से सूट का कंट्रोल कर पाएगा और इसका सही हकदार होगा तो ठीक है मैं तुम्हारा एक टेस्ट लूंगी और साथ ही तुम्हें ट्रेन करूंगा और इसके स्किल्स भी सिखाऊंगी और तब पता चलेगा की तुम इस सूट की सही हकदार हो या नहीं तो अब स्कॉट उसकी बात को मान माले तरफ शुरू होती है स्कॉट की ट्रेनिंग जहाँ पे वो सीखता है की सूट को कैसे बेस्ट तरीके से यूज कर सकते हैं अब एक दिन हो जाते अपने पिता से मिलने के लिए कहती कि मैं हमेशा यही सोचती रहती थी कि आपके और मेरी माँ के बीच में डिवोर्स हो गया जिसके बाद अब सिर्फ पिम पार्टिकल्स पे काम करते रहते थे लेकिन मुझे ये सब झूठ लगता तो आप आज मुझसे सब कुछ सच सच बताएंगे कि आखिर मेरी माँ कहाँ पे है तो अब हैंक उसे सब कुछ सच बताता है की उसकी वाइफ जिसका नाम था जेनेट वेन्डें तो हैंक ने उसके लिए एक सूट बनाया जिसको उसने वैस्प नाम दिया जिससे की उड़ा भी जा सकता है तो एक दिन हैंक और जेनेट एक मिशन पे थे तो उसने सबकी जान बचाने के लिए खुद का साइज बहुत ही छोटा कर लिया और वो इतनी छोटी हुई कि वो किसी और दुनिया में चलेगी जिसको कहते हैं नहीं आ सकती क्योंकि में ही और आज भी मैं उसे याद करता हूँ अब यहाँ पे इन दोनों की बातों को भी सुन रहा था तब वो हैंक से कहता है की आपने मुझे इसके बारे में कभी नहीं बताया था उसे सूट दिया ही कहा है और तुम भी इस बात को अपने दिमाग में घुसेड़ के रखो की कभी भी खुद को इतना छोटा मत कर लेना की तुम कभी बड़े ही ना बन पाओ अब स्कॉट को कहता

जरूर आओगे अब यहाँ पे पूरे भसड़ मच जाता है जहाँ पे एंटमैन हैंक और होप को बचाने की कोशिश कर रहा था और डेरन भी कहीं पे गायब हो जाता और इसी मौके का फायदा उठाने की कोशिश करता है वो पुराने कंपनी का मालिक और वो उस एंटमैन के पिम पार्टिकल लेके भागने लगता है लेकिन उस पिम पार्टिकल पे बॉम्ब लगा था जो की पिम पार्टिकल चोरी होती फट जाता और डेण शाणा वही पे लमलेट हो जाता है लेकिन वही पे स्कॉट इस धमाके से बचा लेता है हैंक और होप को और अब हैंक की आंखों के सामने उसकी कंपनी धूल में मिल चुकी थी वही पे डेरन भी धूल में जाता देखने के लिए सूट को क्योंकि उसने अगर बॉम्ब लगाया

कर लिया था जिससे कि वो क्वांटम रियाल में आ गया था जहाँ पे जाना तो पॉसिबल हो चुका था लेकिन वहाँ से वापस आना मैं पार्टिकल्स यूज होते हैं लेकिन जब एंटमैन क्वान्टल में आता तो उससे वहाँ पे ब्लू कलर के पार्टिकल्स भी नजर आते हैं तो वो क्या करते हैं अपनी बेल्ट में से रेड को ब्लू के साथ रिप्लेस कर देता है जिससे कि वो बड़ा होकर वापस बाहर आ जाता है अब ये देखने के बाद में खुश होता है और कहता है कि तुमने आखिर का ऐसा किया किसे क्योंकि ये देख के मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है क्योंकि अब तुम जब क्वांटम से बाहर आ सकते हो तो अब उसके वाइफ के भी वापस आने के चांसेस बढ़ गए थे अब वो स्कॉट को बहुत ही अच्छा भला कहता है जिसके बाद अब हैंक होप को लेकर रूम में जाता है जहाँ पे वो उसे एक न्यू सूट दिखाते हैं जो की वैश्व का था और वो उसे कहते है कि ये मेरी नई इन्वेंशन है जो की तुम्हारे लिए और इसी के साथ ये मूवी यहाँ पे खत्म हो जाती है मूवी की शुरुआत होती है 1989 के फ्लैशबैक से जहाँ एक इंडस्ट्री में एक था पिम पार्टिकल को डिस्कवर किया था। अब पार्टिकल के बारे में आपको थोड़ा ज्ञान दे दू, तो एक ऐसा पार्टिकल है जिसको यूज करके किसी चीज वो लिविंग हो या नॉन लिविंग उसको बड़ा या छोटा किया जा सकता है अब जब इसके बारे में इंडस्ट्री वालों को पता चला तो उन्हें भी लालच आ गया तो हैंक पिम को ये बात अच्छी नहीं लगी तो वो गुस्से में उस कंपनी को छोड़ देता है और अब हम आ जाते हैं प्रेजेंट टाइम में जहाँ पे हैंक की एक अपनी कंपनी होती है और उसकी एक बेटी भी होती है जिसका नाम होता है होप जो की हैं से कहते कि पापा बहुत बूढ़े हो चुके हैं तो आपको घर पे रेस्ट करना चाहिए और मैं और मेरा को और जिसका नाम है डेरन हम दोनों इस कंपनी को संभाल सकते हैं अब एक दिन जब हैंग कंपनी में मौजूद नहीं था तो उस दिन उसकी बेटी और डैरन मिलकर एक येलो सूट तैयार करते हैं जिसमे उन्होंने पिम पार्टिकल को यूज किया था और उससे सूट में पावर आ गई थी तो इनका प्लान ये था की सूट को महंगे प्राइस में बेच जल्दी से जल्दी अमीर बनना चाहते थे जो की बहुत ही गलत बात है अब हम देखते इस मूवी का मेन कैरेक्टर जिसका नाम स्कॉट होता है जो कि चोर था जिसके चक्कर में वो जेल से सजा काट कर वापस आ रहा था तो सबसे पहले तो वो घर जाकर अपनी छोटी बेटी से मिलता है और तब हमें पता चलता है कि स्कॉट और उसकी वाइफ की पहले डिवोर्स हो चुकी थी और तब उसकी वाइफ ने किसी और से शादी कर ली अब स्कॉट के जेल से निकल जाने के बाद उसे अपनी जिंदगी गुजारने के लिए चाहिए पैसे तो अब स्कॉट निकल पड़ता है जॉब की तलाश में लेकिन अफसोस उसे कोई जॉब नहीं देता क्योंकि उसका क्रिमिनल रिकॉर्ड जो था जिससे की वो बहुत ही परेशान हो जाता है और तब वो अपने दोस्त से मिलने के लिए जाता है जिसका नाम था लुइस जो की स्कॉट को कहता है की मैं समझ सकता हूँ प्यारे की तुम्हें कोई जॉब नहीं मिला लेकिन स्कॉट इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं अगर तुम्हें कोई जॉब नहीं देना चाहता अब तुम्हारे पास में एक ही रास्ता बचा है कि तुम वही करो जो तुम्हें सबसे अच्छे से आता है यानी कि चोरी चकारी अब सुनने के बाद में उसकी बातों एग्री करता है और कहता है कि हाँ यार अब जिंदगी में रहना तो ये करना तो जरूरी है तब है उसे बताता घर के बारे में जिसके अंदर कुछ ऐसा है जिसको अगर हम चुरा ले तो फिर हमें चोरी की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि बेच कर हम बहुत ही अमीर हो जाएंगे तो अब स्कॉट इस पर राजी हो जाता है और वो रात को निकल पड़ते चोरी के लिए अब जब स्कॉट उस घर में जाता है तो उसे वहाँ पे कोई अनोखी चीज नहीं दिखती जिसके अच्छे पैसे मिल जाते उसे वहाँ पर बस एक हेलमेट और एक फैंसी ड्रेस कॉम्पिटिशन का सूट दिखाई देता है जिसको वो वही पर छोड़ के भाग जाता है लेकिन स्कॉट की किस्मत इतनी खराब थी उसको पुलिस वापस ऐसी पकड़ लेती है और अब जेल में स्कॉट गिन रहा था तब पे हैंग आता और कहता है और उसे कहता डोंट वरी स्कॉट तुम डरो मत ये बस मेरा प्लान था की तुम उस सूट के पास जाओ और उसे पहन के ट्राई करो क्यूँकी मैं ये जानना चाहता था की क्या तुम इस सूट के काबिल हो या नहीं क्यूँकी सूट में कुछ शक्तियाँ हैं जो की मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ तो अगर तुम इस सूट को पहनोगे तो तुम एक बटन को दबाकर अपने साइज को बड़ा या छोटा बना सकते हो और साथ ही तुम क्रिएटर्स को कंट्रोल भी कर सकते हो तो अब जिस जेल में स्कॉट होता है तो वहाँ पे हैंक अपनी छोटी छोटी चीटों के साथ में सूट को उसके पास भिजवा देता है जिसको पहन के छोटा होकर से भाग जाता है और आके आता है हैंक से। तो हैंक उससे कहता है कि तुम एक मेरे मिशन पे जाना होगा और ये मिशन ये है कि मेरी बेटी होप ने एक ऐसा सेम सूट बनाया जो कि येलो कलर का है लेकिन वो उससे ज्यादा एडवांस है और होप उसे बेचना चाहते हैं लेकिन मैं ऐसा नहीं होने दूंगा क्योंकि उसने मेरी ही रिसर्च को यूज करके उसे बनाया और अब वो उसे मिस करना चाहती है तो तुम वहाँ पे जाओगे और वो सूट मेरे पास में लेके आओगे तो स्कॉट उसकी बात को मान लेता है क्योंकि हैंक ने उसे जेल से बचाया था और अब वो आ जाता है पिम टेक्नोलॉजीज में जहाँ पे येलो सूट को रखा गया था तो वहाँ पे हैंक की बेटी होप उसे देख लेती है तो वो स्कॉट से पूछती है की तुम यहाँ पे क्या करने जिस हो जिस पे स्कॉट के मुंह से पैनिक होकर सच निकल जाता है तो अब उसकी बेटी कहती है ऐसी बात है तो ठीक है मैं तुम्हें सब कुछ सच बताती हूँ मुझे बहुत दुख है कि मैंने अपने पिता के साथ में गलत किया और मैंने उन्हें इस कंपनी से इसलिए दूर रखा ताकि ये सूट मैं बना सकूं लेकिन अगर वो सच में ऐसा कोई आदमी खोजना चाहता है जो कि अच्छे से सूट का कंट्रोल कर पाएगा और इसका सही हकदार होगा तो ठीक है मैं तुम्हारा एक टेस्ट लूंगी और साथ ही तुम्हें ट्रेन करूंगा और इसके स्किल्स भी सिखाऊंगी और तब पता चलेगा कि की तुम इस सूट के सही हकदार हो या नहीं तो अब स्कॉट उसकी बात को माले तरफ शुरू होती है स्कॉट की ट्रेनिंग जहाँ पे वो सीखता है की सूट को कैसे बेस्ट तरीके से यूज कर सकते हैं अब एक दिन होप जाते पिता से मिलने के लिए कहती कि मैं हमेशा यही सोचती रहती थी कि आपके और मेरी माँ के बीच में डिवोर्स हो गया जिसके बाद आप सिर्फ पिम पार्टिकल्स पे काम करते रहते थे लेकिन मुझे ये सब झूठ लगता है तो मुझसे सब कुछ सच सच बताएंगे कि आखिर मेरी माँ कहाँ पे है तो अब है सब कुछ सच बताता है कि उसकी वाइफ जिसका नाम था जेनेट वेंडन तो हैंक ने उसके लिए एक सूट बनाया जिसको उसने वैस्ट नाम दिया जिससे की उड़ा भी जा सकता है तो एक दिन हैंक और जेनेट एक मिशन पे थे तो उसने सबकी जान बचाने के लिए खुद का साइज बहुत ही छोटा कर लिया और वो इतनी छोटी हुई

जरूर आओगे अब यहाँ पे पूरे भसड़ मच जाता है जहाँ पे एंटमैन हैंक और होप को बचाने की कोशिश कर रहा था और डेरन भी कहीं पे गायब हो जाता है और इसी मौके का फायदा उठाने की कोशिश करता है वो पुराने कंपनी का मालिक और वो उस एंटमैन के पिम पार्टिकल लेके भागने लगता है लेकिन उस पिम पार्टिकल पे बॉम्ब लगा था जो की पिम पार्टिकल चोरी होती फट जाता है और डेर साढ़ा वही पे लमलेट हो जाता है लेकिन वही पे स्कॉट इस धमाके से बचा लेता है हैंक और होप को और अब हैंक की आंखों के सामने उसकी कंपनी धूल में मिल चुकी थी वही पे डेरन भी धूल में जाता देखने के लिए सूट को क्योंकि उसने अगर बॉम्ब लगाया

छोटा कर लिया था जिससे कि वो क्वांटम रियाल में आ गया था जहाँ पे जाना तो पॉसिबल हो चुका था लेकिन वहाँ से वापस आना हैंक की हम जानते हैं लेकिन जब एंटमैन क्वांटम रियल में आता था तो उससे वहाँ पे ब्लू कलर के पार्टिकल्स भी नजर आते हैं तो वो क्या करता है अपनी बेल्ट में से रेड को ब्लू के साथ रिप्लेस कर देता है जिससे कि वो बड़ा होकर वापस बाहर आ जाता है अब ये देखने के बाद में हैंक बहुत ही खुश होता है और कहता है

मूवी की शुरुआत होती है 1989 के फ्लैशबैक से जहाँ एक इंडस्ट्रीमिक्स साइंटिस्ट जिसका नाम था हैंक पिम उसने एक पिम पार्टिकल को डिस्कवर किया था अब पिम पार्टिकल के बारे में आपको थोड़ा ज्ञान दे दू तो वे एक ऐसा पार्टिकल है जिसको यूज करके किसी चीज वो लिविंग हो या नॉन लिविंग उसको बड़ा या छोटा किया जा सकता है अब जब इसके बारे में इंडस्ट्री वालों को पता चला तो उन्हें भी लालच आ गया तो हैंग पिम को ये बात अच्छी नहीं लगी तो वो गुस्से में उस कंपनी को छोड़ देता है और अब हम आ जाते हैं प्रेजेंट टाइम में जहाँ पे हैं की एक अपनी कंपनी होती है और उसकी एक बेटी भी होती है जिसका नाम होता है होप जो की हैंंग से कहती है की पापा बहुत बूढ़े हो चुके हैं तो आपको घर पे रेस्ट करना चाहिए और मैं और मेरा को वक जिसका नाम है डेरन हम दोनों इस कंपनी को संभाल सकते हैं अब एक दिन जब हैंग कंपनी में मौजूद नहीं था तो उस दिन उसकी बेटी और डेरन मिलकर एक येलो सूट तैयार करते हैं जिसमें उन्होंने पिम पार्टिकल को यूज किया था और उससे सूट में पावर आ गई थी तो इनका प्लान ये था कि सूट को महंगे प्राइस में बेचकर जल्दी से जल्दी अमीर बनना चाहते थे जो कि बहुत ही गलत बात है अब हम देखते हैं इस मूवी का मेन कैरेक्टर जिसका नाम स्कॉट होता है जो कि एक चोर था जिसके चक्कर में वो वो जेल से सजा वापस आ रहा था तो तो सबसे पहले तो वो घर जाकर अपनी छोटी बेटी से मिलता है और तब हमें पता चलता है की स्कॉट और उसकी वाइफ की पहले डिवोर्स हो चुकी थी और तब उसकी वाइफ ने किसी और से शादी कर ली अब स्कॉट के जेल से निकल जाने के बाद उसे अपनी जिंदगी गुजारने के लिए चाहिए थे पैसे तो अब स्कॉट निकल पड़ता है जॉब की तलाश में लेकिन अब सोस उसे कोई जॉब नहीं देता क्योंकि उसका क्रिमिनल रिकॉर्ड जो था जिससे कि वो बहुत ही परेशान हो जाता है और तब वो अपने दोस्त से मिलने के लिए जाता है जिसका नाम था लुइस जो कि स्कॉट को कहता है कि मैं समझ सकता हूँ प्यार की कोई जॉब नहीं मिल लेकिन स्कॉट इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं अगर तुम्हें कोई जॉब नहीं देना चाहता अब तुम्हारे पास में एक ही रास्ता बचा है की तुम वही करो जो तुम्हें सबसे अच्छे से आता है यानी की चोरी चकारी अब ये सुनने के बाद में स्कॉट उसकी बातों पर एग्री करता है और कहता है की हाँ यार अब जिंदगी में रहना तो ये करना तो जरूरी है तब लुइस उसे बताता है घर के बारे में जिसके अंदर कुछ है जिसको अगर हम चुरा ले तो फिर हमें चोरी की जरूरत नहीं पड़ेगी इसे बेच करेंगे तो अब स्कॉट इस पे राजी हो जाता और वो को निकल पड़ते चोरी के लिए अब जब उस में जाता है, तो उसे कोई अनोखी चीज नहीं दिखती जिसके अच्छे पैसे मिल जाए उसे जिसको वो वही पे छोड़ के भाग जाता है लेकिन स्कॉट की किस्मत इतनी खराब थी की उसको पुलिस वापस ऐसी पकड़ लेती है और अब जेल में स्कॉट सलाखे गिन रहा था तब यहाँ पे है और उसे कहता है की डोंट वरी स्कॉट तुम डरो मत ये बस मेरा प्लान था कि तुम उस सूट के पास जाओ और उसे पहन के ट्राई करो क्योंकि मैं ये जानना चाहता था कि क्या तुम इस सूट के काबिल हो या नहीं क्योंकि इस सूट में कुछ शक्तियां हैं जो कि मैं तुम्हें बताना चाहता हूं तो अगर तुम इस सूट को पहनोगे तो तुम एक बटन को दबाकर अपने साइज को को बड़ा या छोटा बना सकते सकते हो हो और साथ ही तुम कंट्रोल भी कर सकते हो। तो अब जिस जेल में होता है तो वहाँ पे हैंक अपनी छोटी छोटी चीटों के साथ में सूट को उसके पास भिजवा देता है जिसको पहन के स्कॉट छोटा होकर वहाँ से भाग जाता है और आके मिलता है से तो हैंक उसे कहता है कि तुम एक मेरे मिशन पे जाना होगा और ये मिशन ये है कि मेरी बेटी होप ने एक ऐसा सेम सूट बनाया जो कि येलो कलर का है लेकिन वो उससे ज्यादा एडवांस है और होप उसे बेचना चाहते है। लेकिन मैं ऐसा नहीं होने दूंगा और वो सूट मेरे पास में बचाया था और अब वो आ जाता पिम टेक्नोलॉजी में जहाँ पे येलो सूट को रखा गया था तो वहाँ पे हैंक की बेटी होप उसे देख लेती है तो वो स्कॉट से पूछती की तुम यहाँ पे क्या करने हो जिसपे स्कॉट के मुझसे पैनिक होकर सच निकल जाता है तो अब उसकी बेटी कहती है की ऐसी बात है तो ठीक है मैं सब कुछ सच बताती हूँ मुझे बहुत दुख है कि मैंने अपने पिता के साथ में गलत किया और मैंने उन्हें इस कंपनी से इसलिए दूर रखा ताकि ये सूट मैं बना सकूं लेकिन अगर वो सच में ऐसा कोई आदमी खोजना चाहता है जो कि अच्छे से सूट का कंट्रोल कर पाएगा और इसका सही हकदार होगा तो ठीक है मैं तुम्हारा एक टेस्ट लूंगी और साथ ही तुम्हें ट्रेन करूंगा और इसके स्किल्स भी सिखाऊंगी और तब पता चलेगा की तुम इस सूट की सही हकदार हो या नहीं तो अब स्कॉट उसकी बात को मान ले तरफ शुरू होती है स्कॉट की ट्रेनिंग जहाँ पे वो सीखता है की सूट को कैसे बेस्ट तरीके से यूज कर सकते हैं अब एक दिन होप जाते अपने पिता से मिलने के लिए कहती कि मैं हमेशा यही सोचती रहती थी कि आपके और मेरी माँ के बीच में डिवोर्स हो गया जिसके बाद आप सिर्फ पिम पार्टिकल्स पे काम करते रहते थे लेकिन मुझे ये सब सब झूठ लगता तो आप आज मुझसे कुछ सच सच बताएंगे कि आखिर मेरी माँ कहाँ पे है तो अब हैंक उसे सब कुछ सच बताता है कि उसकी वाइफ जिसका नाम था जेनेट वेंडन तो हैंक ने उसके लिए सूट बनाया जिसको उसने वैस्प नाम दिया जिससे की उड़ा भी जा सकता है तो एक दिन हैंक और जेनेट एक मिशन पे थे तो उसने सबकी जान बचाने के लिए खुद का साइज बहुत ही छोटा कर लिया और वो इतनी छोटी हुई

स्कॉट अब वो टाइम आ गया जब मैं तुम्हें तुम्हारे पहले मिशन पे भेज रहा हूँ क्योंकि तुमने सीख लिया के सूट को करना वो उसे कि जिस इंडस्ट्री को मैंने सालों पहले छोड़ दिया था को कि नो फियर चाचा को और वो निकल पड़ता है पिम के उसने के सूट को पहना था। और अब यहाँ पे होप की को का डेरन ने उसे धोखा देकर कंपनी को हथियार लिया और साथ में मिल गया जिसको ठुकरा दिया था अब यहाँ पे स्कॉट उस खुफिया डिवाइस को आराम से चोरी कर लेता

जरूर आओगे अब यहाँ पे पूरे भसड़ मच जाता है जहाँ पे एंटमैन हैंक और होप को बचाने की कोशिश कर रहा था और भी कहीं पे गायब हो जाता मौके का फायदा उठाने की कोशिश करता है वो पुरानी कंपनी का मालिक और वो उस एंटमैन के पिम पार्टिकल लेके भागने लगता है। लेकिन उस पिम पार्टिकल पे बॉम्ब लगा था जो की पिम पार्टिकल चोरी होती फट जाता है और डेण शाड़ा वही पे लमलेट हो जाता है लेकिन वही पे स्कॉट इस धमाके से बचा लेता है हैंक और होप को और अब हैंक की आंखों के सामने उसकी कंपनी धूल में मिल चुकी थी वहीं पे डेरन भी धूल में जाता देखने के लिए सूट को क्योंकि उसने अगर बॉम्ब लगाया

फोटा कर लिया था जिससे कि वो क्वांटम रियाल में आ गया था जहाँ पे जाना तो पॉसिबल हो चुका था लेकिन यूज होते हैं लेकिन जब एंटमैन इस क्वांटम रियाल में आता है तो उससे वहाँ पे ब्लू कलर के पार्टिकल्स भी नजर आते हैं तो वो क्या करता है अपनी बेल्ट में से रेड को ब्लू के साथ रिप्लेस कर देता है जिससे कि वो बड़ा होकर वापस बाहर आ जाता है अब ये देखने के बाद में ही खुश होता है और कहता है कि तुमने आखिरकार ऐसा किया किसे क्योंकि ये देख के मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है क्योंकि अब तुम जब से बाहर आ सकते हो तो अब अब उसके वाइफ के के भी वापस आने चांसेस बढ़ गए थे अब वो स्कॉट को बहुत ही अच्छा भला कहता है जिसके बाद अब हैंक होप को लेकर रूम में जाता है जहाँ पे वो उसे एक न्यू सूट दिखाते हैं जो की वैश्व का था और वो उसे कहते है कि ये मेरी नई इन्वेंशन है जो की तुम्हारे लिए और इसी के साथ ये मूवी यहाँ पे खत्म हो जाती है

ंग से कहते पापा आप बहुत बूढ़े हो चुके हैं तो आपको घर पे रेस्ट करना चाहिए और मैं और मेरा को जिसका नाम है डेरन हम दोनों इस कंपनी को संभाल सकते हैं अब एक दिन जब हैंग कंपनी में मौजूद नहीं था तो उस दिन उसकी बेटी और डेरन मिलकर एक येलो सूट तैयार करते हैं जिसमे उन्होंने पिम पार्टिकल को यूज किया था और उससे सूट में पावर आ गई थी तो इनका प्लान ये था की सूट को महंगे प्राइस में बेच जल्दी से जल्दी अमीर बनना चाहते थे जो की बहुत ही गलत बात है अब हम देखते इस मूवी का मेन कैरेक्टर जिसका नाम स्कॉट होता है जो की एक चोर था जिसके चक्कर में वो जेल से सजा काट कर वापस आ रहा था तो सबसे पहले तो वो घर जाकर अपनी छोटी बेटी से मिलता है और तब हमें पता चलता है स्कॉट और उसकी वाइफ की पहले डिवोर्स हो चुकी थी और तब उसकी वाइफ ने किसी और से शादी कर ली अब स्कॉट के जेल से निकल जाने के बाद उसे अपनी जिंदगी गुजारने के लिए चाहिए थे पैसे तो अब स्कॉट निकल पड़ता है जॉब की तलाश में लेकिन अफसोस उसे कोई जॉब नहीं देता क्योंकि उसका क्रिमिनल रिकॉर्ड जो था जिससे कि वो बहुत ही परेशान हो जाता है और तब वो अपने दोस्त से मिलने के लिए जाता है जिसका नाम था लुइस जो कि स्कॉट को कहता है कि मैं समझ सकता हूँ प्यारे की तुम्हें कोई जॉब नहीं मिल रहा लेकिन स्कॉट इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं अगर तुम्हें कोई जॉब नहीं देना चाहता अब तुम्हारे पास में एक ही रास्ता बचा है कि तुम वही करो जो तुम्हें सबसे अच्छे से आता है यानी कि कि चोरी चकारी अब अब सुनने के बाद में में बातों एग्री करता है 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 और कहता कि हाँ यार जिंदगी रहना तो ये करना तो जरूरी है। तब उसे बताता है, घर के बारे में जिसके अंदर कुछ ऐसा है जिसको अगर हम चुरा ले तो फिर हमें चोरी की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि बेच कर हम बहुत ही अमीर हो जाएंगे तो स्कॉट इस पे राजी हो जाता है और वो रात को निकल पड़ते चोरी के लिए अब जब स्कॉट उस घर में जाता है तो उसे वहाँ पे कोई अनोखी चीज नहीं दिखती जिसके अच्छे पैसे मिल जाए उसे वहाँ पर बस एक हेलमेट और एक फैंसी ड्रेस कॉम्पिटिशन का सूट दिखाई देता है जिसको वो वही छोड़ के भाग जाता है लेकिन स्कॉट की किस्मत इतनी खराब थी उसको पुलिस वापस ऐसी पकड़ लेती है और अब जेल में स्कॉट सलाखे गिन रहा था तब यहाँ पे हैंग आता है उसे कहता है की डोंट वरी स्कॉट तुम डरो मत ये बस मेरा प्लान था की तुम उस सूट के पास जाओ और उसे पहन के ट्राई करो क्यूँकी मैं ये जानना चाहता था की क्या तुम उस सूट के काबिल हो या नहीं क्यूँकी सूट में कुछ शक्तियाँ हैं जो की मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ तो अगर तुम इस सूट को पहनोगे तो तुम एक बटन को दबाकर अपने साइज को बड़ा या छोटा बना सकते हो और साथ ही तुम को कंट्रोल भी कर सकते हो तो अब जिस जेल में स्कॉट होता है तो वहाँ पे हैंक अपनी छोटी छोटी चीटों के साथ में सूट को उसके पास में भिजवा देता है जिसको पहन के स्कॉट छोटा होकर वहाँ से भाग जाता है और आके मिलता है हैंक से तो हैंक उससे कहता है कि तुम एक मेरे मिशन पे जाना होगा और ये मिशन ये है कि मेरी बेटी होप ने एक ऐसा सेम सूट बनाया जो कि येलो कलर का है लेकिन वो उससे ज्यादा एडवांस है और होप उसे बेचना चाहते हैं लेकिन मैं ऐसा नहीं होने दूंगा क्योंकि उसने मेरी ही रिसर्च को यूज करके उसे बनाया और अब वो उसे मिस यूज करना चाहती है तो तुम वहाँ पे जाओगे और वो सूट मेरे पास में लेके आओगे तो स्कॉट उसकी बात को मान लेता है क्योंकि हैंक ने उसे जेल से बचाया था और अब वो आ जाता है पिम टेक्नोलॉजीज में जहाँ पे येलो सूट को रखा गया था तो वहाँ पे हैंक की बेटी होप उसे देख लेती है तो वो स्कॉट से पूछती है कि तुम यहाँ पे क्या करने हो जिस पे स्कॉट के मुंह से पैनिक होके सच निकल जाता है तो अब उसकी बेटी कहती है कैसी बात है तो ठीक है मैं तुम्हें सब कुछ सच बताती हूं मुझे बहुत दुख है कि मैंने अपने पिता के साथ में गलत किया और मैंने उन्हें इस कंपनी से इसलिए दूर रखा ताकि की ये सूट मैं बना सकूं लेकिन अगर वो सच में ऐसा कोई आदमी खोजना चाहता है जो कि अच्छे से सूट का कंट्रोल कर पाएगा और इसका सही हकदार होगा तो ठीक है मैं तुम्हारा एक टेस्ट लूंगी और साथ ही तुम्हें ट्रेन करूंगा और इसके स्किल्स भी सिखाऊंगी और तब पता चलेगा की तुम इस सूट की सही हकदार हो या नहीं तो अब स्कॉट उसकी बात को मान माले तरफ शुरू होती है स्कॉट की ट्रेनिंग जहाँ पे वो सीखता है की सूट को कैसे बेस्ट तरीके से यूज कर सकते हैं अब एक दिन होप जाते अपने पिता से मिलने के लिए कहती कि मैं हमेशा यही सोचती रहती थी कि आपके और मेरी माँ के बीच में डिवोर्स हो गया जिसके बाद आप आप सिर्फ पिम पार्टिकल्स पे काम करते रहते थे लेकिन मुझे ये सब सब झूठ लगता तो आज मुझसे कुछ सच सच बताएंगे कि आखिर मेरी माँ कहाँ पे है तो अब हैंक उसे सब कुछ सच बताता है कि उसकी वाइफ जिसका नाम था जेनेट वेंडेन तो हैंक ने उसके लिए एक सूट बनाया जिसको उसने वैस्प नाम दिया जिससे की उड़ा भी जा सकता है तो एक दिन और जेनेट एक मिशन पे थे तो उसने सबकी जान बचाने के लिए खुद का साइज बहुत ही छोटा कर लिया और वो इतनी छोटी हुई

जरूर आओगे अब यहाँ पे पूरे भसड़ मच जाता है जहाँ पे एंटमैन हैंक और होप को बचाने की कोशिश कर रहा था और डेरन भी कहीं पे गायब हो जाता और इसी मौके का फायदा उठाने की कोशिश करता है वो पुराने कंपनी का मालिक और वो उस एंटमैन के पिम पार्टिकल लेके भागने लगता है लेकिन उस पिम पार्टिकल पे बॉम्ब लगा था जो की पिम पार्टिकल चोरी होते ही फट जाता और डेण शाणा वही पे लमलेट हो जाता है लेकिन वही पे स्कॉट इस धमाके से बचा लेता है हैंक और होप को और अब हैंक की आंखों के सामने उसकी कंपनी धूल में मिल चुकी थी वहीं पे डेरन भी धूल में जाता देखने के लिए सूट को क्योंकि उसने अगर बॉम्ब लगाया

तुमने आखिरकार ऐसा किया किसे क्योंकि ये देख के मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है क्योंकि अब तुम जब क्वांटम कॉन्टर से बाहर आ सकते हो तो अब उसके वाइफ के भी वापस आने के चांसेस बढ़ गए थे अब वो स्कॉट को बहुत ही अच्छा भला कहता है जिसके बाद अब हैंक होक को लेकर रूम में जाता है जहाँ पे वो उसे एक न्यू सूट दिखाते हैं जो की वैश्व का था और वो उसे कहते है कि ये मेरी नई इन्वेंशन है जो कि तुम्हारे लिए और इसी के साथ ये मूवी यहाँ पे खत्म हो जाती है